9.3 में मैं सबसे अच्छा कुछ टर्मिनोलॉजीज है वो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9.3 का स्टार्ट 280 से होता है, पेज नंबर 280 से। सबसे पहली आपको हेडिंग नजर आ रही है ऑप्टिकल सॉल्यूशन। ऑप्टिकल सॉल्यूशन क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बिलफर्स कंसिडर कर लो, आपने इनइक्वालिटीज को ड्रॉ किया, किस टाइप की बन रही थी, कंसिडर कर लो किस टाइप की बन रही थी, और एक कुछ टाइप की बन रही थी, कंसिडर कर लो। तो आपके पास ये वाला सॉल्यूशन रीजन आया, ये पूरा रीजन जो है ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट निकालना है। एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये, एक ये और एक ये। ऑप्टिकल देखो, अब ये जो पूरे मैंने आप लोगों को शेड किए हैं, ये सारे शेडेड रीजन में कोई भी पॉइंट है वो क्या कहलाया जाएगा, फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन की डेफिनेशन अभी क्या बताई थी, किसमें से आप कोई भी पॉइंट उठा लो वो इन सब इनइक्वालिटीज को क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई। आप जितने सवाल आपने पढ़े हैं उसमें आप एक काम करना, जो फिजिबल सॉल्यूशन है उसमें कोई एक पॉइंट पिक करना, उस पॉइंट को आप सब इनइक्वालिटीज में पुट करोगे, सब सेटिस्फाई कर देंगे। तो फिजिबल सॉल्यूशन ये होता है ना कि सारी इनइक्वालिटीज को वो सेटिस्फाई कर रहा हूँ, ये तो फिजिबल सॉल्यूशन है। इसी तरह ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये भी सारे फिजिबल सॉल्यूशन ही है ना, क्योंकि फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, जो शेडेड रीजन है और जो इन लाइंस के ऊपर है, ये जो सब जो है, क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप लोगों को याद हो इन इक्वालिटीज में ये वाली चीज नहीं लिखी होती, साथ इन्होंने इक्वालिटी भी लिखी हुई है। इसी तरह खाली आपको ये नजर नहीं आएगी, आपको इक्वालिटी भी नजर आएगी। तो इक्वालिटी का मतलब ये है कि इन लाइंस के ऊपर भी जो पॉइंट है वो भी सब क्या होंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे। चाहो तो आप कोई कॉर्नर पॉइंट पिक कर लो, या इस लाइन के ऊपर कोई ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट, कोई भी लाइन के ऊपर आप पॉइंट पिक करोगे, सब क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे इन इक्वालिटीज को, ठीक है। तो ये तो सब फिजिबल सॉल्यूशन होता है। सवाल ये कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? ऑप्टिकल ऑप्टिमल सॉल्यूशन ना सिर्फ एक पॉइंट होता है, यहां पे आप देखो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इस रीजन के अंदर आप कोई भी पॉइंट पिक कर लो इनफाइनाइट पॉइंट आपको मिलेंगे, लेकिन ऑप्टिकल सॉल्यूशन जो है वो बस एक ही पॉइंट होगा। अब वो ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसको आप ऑप्टिकल बोल रहे हो, मतलब उसकी इतनी अहमियत है कि सब पॉइंट्स में एक पॉइंट जो है वो आपका ऑप्टिकल है? तो बच्चों ऑप्टिमल ये होता है कि आपके पास ना कोई फंक्शन लिखा हुआ आएगा, जैसे जो आपको 9.2 में नजर आता था, फॉर एग्जाम्पल 3x + 4y, कंसिडर कर लो ये आपके पास फंक्शन मौजूद है, और आप क्या करना चाह रहे हो, आप इसको मैक्सिमाइज करना चाह रहे हो। मतलब आपको थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट, समझ लो कि आप इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हो। तो जो पॉइंट आप इस फंक्शन के अंदर पुट करो और वो आपको सबसे ग्रेटर रिजल्ट दे, ऑप्टिमल कहलाया जाएगा। कंसिडर कर लो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये आपने इस फंक्शन के अंदर पुट किए, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लो 5 पॉइंट थे, 5 पॉइंट आपने पुट किए, एक ने आपको आंसर दिया फॉर एग्जाम्पल 10, इसके अंदर पुट करने के बाद एक ने आंसर दिया 40, एक ने आंसर दिया -30, एक ने दिया 5 और एक ने दिया 60। तो इसमें से वो वाला पॉइंट जो सबसे ग्रेटर आपको आंसर दे रहा है वो क्या कहलाया जाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक पॉइंट होता है, ऐसा पॉइंट जो आपके फंक्शन को मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, उस वाले पॉइंट को आप बोलोगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इसी तरीके से अगर आपको फंक्शन दिया जाए और आपको बोला जाए कि आप क्या करो, मिनिमाइज करो इसको, मिनिमाइज का मतलब कम करना, तो इसमें से कौन सा पॉइंट ऑप्टिमल वाला होगा? अब -30। एक्सीलेंट, -30 वाला। क्यों? क्योंकि सबसे कम आपको वैल्यू दे रहा है, वैसे माइनस वैल्यू आएगी नहीं, ठीक है, नहीं आ सकती है माइनस वैल्यू, ठीक है, क्योंकि हाँ आ जाएगी, इसमें कोई मसला नहीं है। आपने देखना है सबसे कम वाली वैल्यू, तो अगर आप देखो इन सब में सबसे कम वाली वैल्यू जो है वो -30 है, इसका मतलब -30 जो है वो आपका अब क्या होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये फर्क है फिजिबल सॉल्यूशन और ऑप्टिमल सॉल्यूशन के अंदर। फिजिबल सॉल्यूशन के अंदर तो इतने इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल आएगा, सवाल क्या होगा भाई, फिजिबल सॉल्यूशन में इतने ज्यादा पॉइंट्स हैं, आप किस किस को पुट करोगे इस फंक्शन के अंदर, और कैसे मालूम करोगे किसका मैक्सिमम आंसर आ रहा है? तो इसका सिंपल एक हल निकाला जाता है, ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग, इनके क्वेश्चन सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है जिसको आप बोलते हो कॉर्नर पॉइंट मेथड, जो आप करने लगे हो अभी, दूसरा होता है सिंप्लेक्स मेथड। ये वाला मेथड जो है ना ग्राफिकल है, कि आप ग्राफ के जरिए से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और इसको आप अलजेब्रिक कह लो, मैं नहीं आ रहा अलजेब्रिक कह लेते, इसमें ग्राफ की आपको जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये जो ये वाला मेथड है ना जो हम कर रहे हैं, जो आपकी बुक में डिस्कस है कॉर्नर पॉइंट, ये आपको कहता है कि भाई इनफाइनाइट इसके अंदर पॉइंट्स हैं, आप कैसे पुट करोगे इस फंक्शन के अंदर, और ये तो मैंने आपको बोला 5 पॉइंट है, लेकिन वैसे तो इस रीजन के अंदर कितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे, तो कैसे पुट करके मालूम करोगे, ये मेथड आपको कहता है सारे पॉइंट पुट करने की जरूरत नहीं, जस्ट जो कॉर्नर पॉइंट है वो पुट कर लो,
ये मेथड कहता है कि जो कॉर्नर पॉइंट है ना उसी में से कोई मैक्सिमम होगा, दरमियान वाला आपको कोई मैक्सिमम नहीं देगा, जो कॉर्नर पॉइंट है उसी में से आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो ये आपके बेसिकली पांच कॉर्नर पॉइंट है यहाँ पे, आपने पांचों कॉर्नर पॉइंट इस फंक्शन के अंदर पुट करने हैं, जो आपको मैक्सिमम दे रहा है वो आपका राइट सॉल्यूशन है, दैट्स इट। आपको दरमियान के कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है, दैट्स वाई आप कॉर्नर पॉइंट निकालते थे, ये उनका यहाँ पे फायदा, ठीक है। तभी ये मेथड कहलाया जाता है कॉर्नर पॉइंट मेथड। ये बात समझ आइए कि ऑप्टिकल सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इन्होंने लिखा हुआ भी है, एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज द फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल होगा ऑब्वियसली, फिजिबल रीजन के अंदर है, विद द लार्जेस्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इस वाले फंक्शन का ना एक नाम होता है, इसको आप क्या बोलते हो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये टर्मिनोलॉजी जो है ना ये आपको बस पता होनी चाहिए। फिजिबल सॉल्यूशन आपने पढ़ा था, फिर आपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन पढ़ा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन जिस फंक्शन में आप पुट करते हो ना उस फंक्शन को आप कहते हो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। फिजिबल सॉल्यूशन विद द लार्जेस्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू फॉर अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम में आपको मैक्सिमाइज करना है तो जो सबसे बड़ा आंसर दे रहा है वो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, और जिस सवाल में आपको मिनिमाइज करना है तो सबसे छोटा पॉइंट जो होगा उसको आप क्या बोलोगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अच्छा जी, तो ये टर्मिनोलॉजी में एक दो बता देता हूँ, ये होगी। अब एक आखिरी टर्मिनोलॉजी है, वो जब मैं सवाल आप लोगों को करवाऊंगा ना तब बताऊंगा, उसको आप कहते हो डिसीजन वेरिएबल। वो इंशाल्लाह सवाल करवाने लगा हूं तब आप लोगों को मैं क्लियर करता हूँ। ये कुछ बेसिक बातें मैंने क्लियर की है ना, अब इनको यहीं पे रखो। मैं कुछ सवाल यहाँ पे स्किप करवा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर, जो असल करना मुश्किल है। अगर एक वर्ड प्रॉब्लम आपने समझ लिया ना तो उसकी वर्किंग आसानी से कर लोगे, बस इनइक्वालिटीज बनाना आपका काम है। जरा मेरी बात को समझो, अगर आप आज सिंपल 9.3 पे तब आपको समझ आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। 9.3 है पेज नंबर 288 के ऊपर। अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 के 7 पार्ट लिखे हुए हैं, उसके अंदर हलवा है आपके लिए। आपको क्या गिवन किया हुआ है, आपको इनइक्वालिटीज दी हुई है और आपको एक फंक्शन दिया हुआ है। ये करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है भाई, इनइक्वालिटी से फिजिबल सॉल्यूशन ही निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हो। फिजिबल सॉल्यूशन से कॉर्नर पॉइंट ही निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हो। जब कॉर्नर पॉइंट आ जाएंगे तो इसके अंदर पुट करके चेक करना क्या बहुत मुश्किल बात होती है, तो बच्चों वाला काम है, आसानी से कर लोगे आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 7 पार्ट आसानी से हो जाएंगे आपके, वही काम करना है जो 9.1 9.2 में सीखा। असल मसला है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें कोई इनइक्वालिटीज आपको गिवन नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन नहीं है, आपको खुद बनाना है सब। तो जो बनाने वाला काम है ना ये मसला आप लोगों को सिखाना है। सॉल्व करना तो आप लोग कर लोगे, मैं एक सवाल सॉल्व करके दिखा दूंगा, बाकी बनाने वाला काम आपको असल सिखाना है कि किस तरीके से करना है। समझ आइए मेरी बात सबको, आपको सवाल है तो पूछ लो। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जरा स्टार्ट करने लगा हूँ। थोड़ी सी आप लोग अटेंशन चाहिए, बस 40 मिनट 45 मिनट जो क्लास रहेगी है, ध्यान से सुन लो, क्लियर हो जाएगा सारा पॉइंट और चैप्टर भी इंशाल्लाह हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये जो इसका नाम है ना लीनियर प्रोग्रामिंग, मैंने पहले भी बताया था कि प्रोग्रामिंग वो चीज होती है कि जो आप कुछ स्टेप्स यूज करके कुछ चीज मालूम करना चाह रहे हो। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम आप बना रहे हो, प्रोग्राम में क्या होता है आपने एक प्लान बनाया पूरा, इस प्लान के मुताबिक आपने सॉल्व करनी होती जो भी चीज और रिजल्ट पे आपने आना होता है। ये प्रोग्रामिंग की बेसिक सी चीज है, और लीनियर इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास फंक्शन इनइक्वालिटीज होंगे वो सब लीनियर होंगे यहाँ पे, दैट्स व्हाई को लीनियर प्रोग्रामिंग बोला हुआ है। और आपको इसका मकसद रियल लाइफ प्रॉब्लम में समझ आ रहा है, मैं भी आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम बता रहा हूँ तब आपको समझ आएगा कि मैथ आपको इस प्रॉब्लम हल करने में कितनी हेल्प कर रही है। जरा प्रॉब्लम को हम समझते हैं, ये समझाना डायरेक्ट इतना इजी नहीं होगा तुम लोगों के लिए, चलो मैं कोशिश करूंगा बता दूं आसानी से। एक काम करते हैं, मैं पहले ना बुक के क्वेश्चन करवाता हूँ, मुझे बुक के क्वेश्चन ज्यादा इजी लगे थे, अगर वो समझ लो तो बेहतर आप लोगों का आइडिया क्लियर होता है। तो सबसे पहले 9.3 का ना क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। इनइक्वालिटीज बनाना सीख लो, सॉल्व करना आपको आता है, जरा बनाना हम सीखते हैं। 9.3 क्वेश्चन नंबर 2, जरा समझो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है अ लैंडलॉर्ड हैज 50 हेक्टेयर्स। ये यूनिट किसी को पता है हेक्टेयर्स? मतलब मैं सुना नहीं होगा आप लोगों ने। अच्छा किसी ने एकड़ सुना है, अपने पेरेंट्स से सुना होगा एकड़, या ये भी नहीं सुना? सुना है सर, एग्जैक्ट याद नहीं है एकड़ का क्या है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, गूगल कर लो आसानी से आपको मिल जाएगा। लिखी हुई थी मैंने कहीं बातें पता नहीं क्या, हाँ नहीं लिखी हुई है, लिखी हुई गूगल से लिखी हुई। मैं बताता हूँ पहले, जरा समझ लेते ना क्या है, ये जो एकड़ हेक्टेयर ये सब ना यूनिट होते हैं वो उसके जमीन के,
जब आप जमीन लेते हो ना तो आप कहते हो कितने एकड़ की है। अगर इसको मैथ में आप समझो ना, तो एरिया बताते हैं आपके, एरिया का यूनिट है। जैसे एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, फिट स्क्वायर, एरिया के यूनिट में स्क्वायर आ रहा होता है। तो उसी तरह यूनिट है जो पहले यूज होते थे एसआई सिस्टम में, तो मीटर स्क्वायर आप यूज कर रहे होते हो। लेकिन ये जो यूनिट है ना, ये जो एक एकड़ है, एक एकड़ जो है ये कितना है, ये 4840, 4840 यार्ड स्क्वायर। वाईडी का मतलब होता है यार्ड। अगर आप लोगों ने सुना हो ना, जैसे घर है आप लोगों के, 120 गज हम बोलते हैं, 20 गज बोला जाता है ना, उस गज को आप यार्ड कहते हो इंग्लिश में जो ना, उसको यार्ड बोला जाता है। ठीक है, देख लेना कि एक यार्ड कितने फिट के बराबर होता है। आई गेस 3 3 फिट के आसपास होता है वो। बहरहाल, तो जो नॉर्मल हमारे घर होते हैं वो 120 यार्ड स्क्वायर के होते हैं, लेकिन जो एक एकड़ है वो कितना होता है, 4840 यार्ड स्क्वायर का होता है। बहरहाल, ठीक है। इसी तरह अगर आप एक हेक्टेयर देखो तो वो 2.5 एकड़ के बराबर होता है। हेक्टेयर ये बराबर होता है 2.5 एकड़ से। ठीक है, तो सब एरिया के यूनिट है। इसी तरीके से एक और यूनिट भी है जो आप नॉर्मली यूज करते हो, कनाल, आपने सुना होगा ना। तो एक कैनाल के अंदर 0.6 स्क्वायर यार्ड होते हैं। इसी तरह आपने मरला भी सुना होगा, मरला बोल रहे होते हैं। तो एक कनाल के अंदर 20 मरला होते हैं। ये आप सर्च कर लेना, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब जरा दोबारा सवाल पे आ जाओ। आपको बोला भाई कि एक लैंड लॉर्ड है, जमींदार है, उसके पास 50 हेक्टेयर लैंड है। ठीक है, उसने उस लैंड के ऊपर ग्रो करने हैं दो क्रॉप्स, एक्स और वाई। नाम नहीं बताया हुआ, उन्होंने एक्स और वाई बोल दिया। विथ प्रॉफिट पर हेक्टेयर आर एस्टिमेटेड एज ₹10,500 एंड ₹9,000। वो कहना चाह रहा है कि यार उसने दो क्रॉप करने हैं, एक्स और वाई। ठीक है, वो इसको हम क्या बोलेंगे, वो एस्टिमेट उसने किया है कि जो एक्स क्रॉप है इसके ऊपर मुझे कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, 10,500 मिलना चाहिए पर हेक्टेयर। मतलब एक हेक्टेयर के ऊपर मुझे 10,500 मिलना चाहिए, दो के ऊपर कितना हो जाएगा, 22,000, नहीं 21,000 बन जाएगा। तो एक हेक्टेयर के ऊपर कितना प्रॉफिट चाहिए मुझे, 10,500 का, और दूसरे क्रॉप के, दूसरे मतलब वाई क्रॉप जो है उसमें मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा, 9,000 मिलेगा। ठीक है, जरा समझना इस पूरे सवाल को। फिर लिखा है टू कंट्रोल वीड्स। अच्छा, होता है कि जो आपकी आती है ना क्रॉप, उसमें जो वीड है, वीड जिसको आप बोलते भी हो, वीड का नशा भी होता है, वो उग जाता है, वो क्रॉप के लिए ठीक नहीं होता। तो क्या किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है पेस्टिसाइड। और उन्होंने आगे लिखा था अ लिक्विड हर्बिसाइड। लिक्विड हर्बिसाइड जो है कंट्रोल करता है कि वीड आपका ना निकले। ठीक है, तो वीड को कंट्रोल करने के लिए एक लिक्विड हर्बिसाइड है जो कि 800 लीटर आपने यूज करना है। कितना, 800 लीटर। अब देखो ये पूरी एक्चुअल सिचुएशन है, इसको आपने इक्वालिटीज बनानी है। 800 लीटर है, यूज करना है आपने एक्स और वाई के लिए एट अ रेट ऑफ 20 लीटर्स एंड 10 लीटर्स पर हेक्टेयर। कहने का मतलब यह है कि जो एक्स क्रॉप है उसमें आपने 20 लीटर हर्बिसाइड पुट करना है पर हेक्टेयर। मतलब कंसीडर कर लो, एक हेक्टेयर जो हिस्सा है ना पूरा, जो भी उसका एरिया बनेगा, उसमें आपने 20 लीटर पुट करना है। फिर दूसरा हेक्टेयर, उसमें 20 लीटर पुट करना है, इस तरह करना है। और जो दूसरा क्रॉप है उसमें आपने 10 लीटर पुट करना है पर हेक्टेयर। सवाल को समझ लो, बाद में मैं बता दूंगा किस तरह करना है। फिर लिखा हुआ है हाउ मच लैंड शुड बी एलोकेटेड टू ईच क्रॉप सो एज टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट। देखो, जब भी प्रॉफिट इन्वॉल्व होता है उसको आप मैक्सिमाइज करते हो, और जब भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उसको आप मिनिमाइज करते हो। तो यहाँ पे प्रॉफिट का ऊपर ही जिक्र किया हुआ था, तो वहीं से आप समझ जाओ कि सवाल मैक्सिमाइजेशन का। और लिखा हुआ है हाउ मच लैंड शुड बी एलोकेटेड टू ईच क्रॉप। वो कह रहे हैं कि हर क्रॉप को, मतलब एक्स और वाई को, कितनी हम लैंड दें। टोटल हमारे पास कितनी है, टोटल हमारे पास 50 हेक्टेयर लैंड थी उस लैंड लॉट के पास। तो उसमें से कितनी एक्स को दें, कितनी हम वाई को दें कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। ठीक है, मैं एक दफा दोबारा रिविजन आपको देता हूँ, उसके बाद कोई सवाल हो तो पूछना, फिर हम इनइक्वालिटीज बनाते हैं। कि भाई आपने इसको अपने ऊपर खुद लेना है, क्या आपके पास 50 हेक्टेयर की लैंड है, आपने उसके ऊपर दो क्रॉप उगाने हैं एक्स और वाई। मसला क्या है, सबसे पहले आप चाहते हो कि जो एक्स क्रॉप है ये आपको प्रॉफिट दे 10,500 का, और जो वाई क्रॉप जो है ये आपको प्रॉफिट दे 9,000 का। ठीक है, ये आप प्रॉफिट है, तो यहां से आप बनाओगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, वो आपका या तो प्रॉफिट या कॉस्ट से बनता है, या तो दो चीजें होंगी, या तो प्रॉफिट आपको मिल नजर आएगा ज्यादातर केसेस में, या फिर कॉस्ट होगी। तो जहां भी प्रॉफिट कॉस्ट आ जाए ना, समझ जाओ उससे आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है। तो यहाँ पे प्रॉफिट है ना, यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाओगे कैसे। सबसे पहले आपने दो वेरिएबल लेट करने होंगे यहाँ पे। अब जरा हम समझते हैं, कुछ सवाल हो तो पूछ लेना। दो वेरिएबल्स आपने लेट करने हैं, वो दो वेरिएबल कौन से होंगे जो सवाल के एंड पे उन्होंने आपसे पूछे हुए थे।
सवाल के एंड पे क्या बोला हुआ था, हाउ मेनी लैंड्स एलोकेट आपने करनी है एक्स और वाई को। तो आप क्या करो, आप कंसीडर कर लो कि लेट एक्स नंबर, इसको बोलेंगे अमाउंट ऑफ लैंड, अमाउंट ऑफ लैंड टू एक्स क्रॉप। आप लिख सकते हो अच्छी इंग्लिश में एलोकेटेड टू एक्स क्रॉप, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि जो एक्स है वो अमाउंट ऑफ लैंड है। अब एक्स क्या हो सकता है, एक्स 20 भी हो सकता है, टोटल 50 है ना, तो 50 में से 20 आप एक्स क्रॉप को दे दो, 30 एक्स क्रॉप को दे दो, 10 एक्स क्रॉप को दे दो, एक्स कुछ भी हो सकता है। और दूसरा आपने क्या लेट करना है, वाई। आप बोलो वाई जो है वो अमाउंट ऑफ लैंड है जो आपने वाई क्रॉप को देना है, ठीक है। तो ये दो वेरिएबल्स आपको हर सवाल में लेट करने होंगे। आप कैसे लेट करोगे, वो सवाल के एंड पे आपको समझ आ जाएगी बात। सवाल के एंड पे उन्होंने क्या पूछा, हाउ मेनी लैंड, तो दो क्रॉप है, आप लेट कर लो एक्स जो है ये अमाउंट ऑफ लैंड है एक्स क्रॉप के लिए, और जो वाई है ये अमाउंट ऑफ लैंड है वाई क्रॉप के लिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब आप ये दो वेरिएबल लेट कर लो, अब आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाओ। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जेड से लिखते हैं, एक्स ये जो एक्स क्रॉप थी इससे आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा था, 10,500 का मिल रहा था ना, तो आप यहां पे लिखो 10,500 और उसके साथ एक्स लगा दो। और जो दूसरा क्रॉप था उसमें कितना मिला था, 9,000, आप लिखो 9,000, ठीक है। अब एक्स और वाई की आपको ऐसी वैल्यूज चूज करनी है जो आप यहां पे पुट करो आपको आंसर बड़ा मिले, मैक्सिमम मिले, क्योंकि प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा आपको। तो कुछ ऐसा एक्स और वाई आपने यहां पे पुट करना है कि जो इस चीज को बड़ा कर दे, मैक्सिमम करे, जितना मैक्सिमम होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा आपके पास। बिलफर्ज एक्स आप ले रहे हो यहां पे 20, वाई ले रहे हो 30, तो यहां पे 20 को इससे मल्टीप्लाई करो, 30 को इससे मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, इतना प्रॉफिट हुआ आपको, सही है। मुझे बताओ यहां तक आइडिया समझ आया सबको? यस सर, यस सर, ठीक है। अब देखो आप अपनी तरफ से एक्स और वाई पुट नहीं कर सकते, क्यों? कोई स्टूडेंट कह सकता है सर अपनी तरफ से आप एक काम करें, ये मुझे चीज बड़ी लग रही है ना एज कम्पेयर टू दिस, तो मैं एक्स क्या करता हूँ, मैं 49 कर लेता हूँ, बड़ा आ जाएगा, इसको मैं 1 कर लेता हूँ, लाइक कुछ भी आप सोच सकते हो। तो आप अपने हिसाब से इसको कुछ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इस पे बाकी भी रिस्ट्रिक्शन हैं, वो बाकी रिस्ट्रिक्शन आपको बाकी चीजों में मिल रही है कि इसमें 20 लेटर पुट कर सकते हो, इसमें 10 पुट कर सकते हो। तो कहने का मतलब सिर्फ अपने हिसाब से आप एक्स और वाई पुट नहीं कर सकते, आपको बाकी रिस्ट्रिक्शंस भी देखनी है, आप पे बाकी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, तो जरा पहले उनको भी देख लो कि उन रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है और उसके मुताबिक आपको सब काम करना है। अब जरा बाकी रिस्ट्रिक्शंस को हम देखते हैं। सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन क्या थी, ये तो आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखी है ना, सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन ये थी कि जो आपके एक्स और वाई होना चाहिए, इस एक्स और वाई का जो सम है वो 50 या 50 से कम होना चाहिए। क्या मतलब है इसका, कि भाई आपके पास टोटल लैंड कितनी है, टोटल 50 लैंड है, सही है। जरूरी तो नहीं है कि 50 एकड़ के ऊपर ही आपने हर चीज ग्रो करनी है, आप 45 पे कर लो, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना, जितनी लैंड आपकी ज्यादा होगी उतना आपने पेस्टी, ये भी तो डालना है ना, लैंड आपकी ज्यादा होगी मे बी ये चीज महंगी मिल रही है आपको, ये आपको 20 लीटर करनी है पर हेक्टेयर, तो अगर जितनी लैंड आपकी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपको ये डालना पड़ेगा, तो आपकी कॉस्ट इन्वॉल्व हो सकती है उससे। तो कहने का मतलब जरूरी थोड़ी ना कि 50 हेक्टेयर है तो 50 पे आपने उगाना है, नहीं, आप 50 से कम पे भी उगा सकते हो या मैक्सिमम 50 पे उगा सकते हो, 50 से ज्यादा पते नहीं उगा सकते ना, टोटल है ही 50 आपकी। तो मैंने इनइक्वालिटी क्या बताई कि ये जो एक्स और अमाउंट है ना इनका जो एडिशन है ये या तो 50 हो या 50 से कम हो, 50 से ग्रेटर तो हो ही नहीं सकता, हाँ पाकिस्तान में हो सकता है आप कब्जा कर लो किसी की लैंड के ऊपर, लेकिन वैसे अगर आपके पास 50 है तो 50 पे उगाओगे या 50 से कम पे आप करोगे। तो एक आपके पास रिस्ट्रिक्शन ये वाली है। अब जरा दूसरी रिस्ट्रिक्शन को देखते हैं, दूसरी क्या है कि हाँ दूसरी ये है कि आपको 1 हेक्टेयर के ऊपर 20 लीटर करना है और यहां पे कितना करना है, 10 लीटर करना है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा फिर समझाता हूं कि 20x+10y इज लेस देन और इक्वल टू 800। क्या मतलब है इसका, भाई मैं अगर यहां पे कुछ ऐसा एक्स और वाई चूज कर लूं जो 800 से ग्रेटर आ रहा है तो मैं कर ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि टोटल मेरे पास 800 लीटर पेस्टिसाइड है, मुझे उस 800 लीटर को ही डिवाइड करना है यहाँ पे। ये एक इसको कंसीडर कर लो एकड़ कह लेते हैं, कहने में आसानी होती है, हेक्टेयर में बंदा फंस जाता है। 1 एकड़ के ऊपर 20 लीटर आप खर्च कर रहे हो, 2 एकड़ पे कितना होगा, 40 लीटर, 3 पे 60 लीटर, 5 एकड़ के ऊपर आप कितना खर्च कर रहे हो उसको, 5 एकड़ के ऊपर आप इसकी 100 लीटर कर रहे हो। तो बिलफर्ज अगर आपने यहाँ पे एक्स अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर लिया होता 20, तो 20 का मतलब क्या है, 20 को जरा 20 से मल्टीप्लाई करो, 400 लीटर, 400
400 लीटर सिर्फ आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, और बिलफर्ज अगर मैंने यहाँ पे 40 चूज कर लिया तो आपका सारा खत्म, क्योंकि जब आप यहाँ पे एक एकड़ पे 20 खर्च कर रहे हो तो 40 एकड़ पे कितना खर्च करोगे, 40 × 20 800, ये तो खत्म हो गया आपका, उसके लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। तो कहने का मतलब आपको बाकी रिस्ट्रिक्शन भी देखनी होती, क्या रिस्ट्रिक्शन आपके पास जस्ट 800 लीटर है। तो मैंने क्या इक्वेशन बनाई कि आपने कुछ एक्स और वाई ऐसा पुट करना है यहाँ पे कि आंसर इसका 800 से कम ही हो या 800 के बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल एक्स मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लो 30 पुट कर लिया, वाई कंसिडर कर लो मैंने यहाँ पे 10 पुट कर लिया, तो 30 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करो 600 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, तो आप देखो ये लेस देन 800 ही आ रहा है। जरूरी थोड़ी ना कि आपने 800 लीटर ही सारा खर्च कर लेना है, थोड़ी ना आ रहा, आपको जिस हिसाब से खर्च करना होगा। तो आप 800 से कम कम या 800 तक आप कर सकते हो। तो बिलफर्ज मैंने 30 और 10 पुट किया, ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 30 + 10 50 से कम होता है, ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसी तरह इसमें भी आप पुट कर सकते हो। तो कहने का मतलब एक इनइक्वालिटी ये है, एक इनइक्वालिटी ये है, ये इन दो इनइक्वालिटी को आपने सॉल्व करना है, आपने देखना है इसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या आ रहा है, मतलब फिजिबल सॉल्यूशन क्या है सबसे पहले, फिर कॉर्नर पॉइंट निकालोगे, फिर आप पुट करोगे और फिर मैक्सिमम वैल्यू आप निकालोगे, ठीक है। और इन दो के अलोंग आपने ये हर सवाल में लगानी है, ये तो होंगी क्योंकि यहाँ पे जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। एक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट ऑफ लैंड को, तो अमाउंट ऑफ लैंड नेगेटिव हो सकती है क्या? आप बोलो -5 लैंड है, क्या मतलब बनेगा इसका? तो लाजमी आपने रिस्ट्रिक्शन अपनी तरफ से लगा देनी है कि एक्स और वाई यहाँ पे क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, ठीक है। तो बच्चों असल में अगर आप देखो सवाल आपका क्या है, बहुत बच्चों वाला सवाल है, अगर आप यहाँ तक आ जाओ, ये आपने बना ली ना, अब इसको ड्रॉ करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लीनियर इनइक्वालिटी ड्रॉ करना मैंने सिखाया हुआ है, इसको सिखाया हुआ है आप लोगों को, ड्रॉ करने के बाद फिजिबल सॉल्यूशन बनाना, कॉर्नर पॉइंट निकालना, जो भी 3-4 कॉर्नर पॉइंट आएंगे यहाँ पे पुट करोगे, जो सबसे मैक्सिमम आंसर दे रहा है वो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो असल चीज है ये बनाना, इसके बाद मैं एक सवाल करवा दूंगा आप लोगों को मॉडल के तौर पे, उसके बाद वर्किंग आसान हो जाएगी आपकी, बस ये बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। कोई सवाल है इसमें तो पूछ लो, इसको आपने मैक्सिमाइज करना है। अच्छा ये जो वेरिएबल है ना एक्स और वाई, इनको आप कहते हो डिसीजन वेरिएबल, क्योंकि आप डिसाइड कर रहे हो ना, ये जो वेरिएबल है डिसीजन वेरिएबल है, मतलब आप डिसाइड कर रहे हो कि एक्स जो है वो 30 होना चाहिए, वाई जो है वो 10 होना चाहिए, कुछ आप डिसाइड करोगे ना इस तरीके से, और डिसीजन वेरिएबल बोला जाता है, ठीक है। और इनको नॉन नेगेटिव होंगे हमेशा, नेगेटिव तो नहीं हो सकते ना, एक्स और वाई रियल चीज को रिप्रेजेंट करें, नेगेटिव नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये जो इनइक्वालिटीज है ना, इनको इंग्लिश में ये बोला जाता है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का मतलब रिस्ट्रिक्शन, आप पे रिस्ट्रिक्शन है, मतलब आप अपने हिसाब से कुछ यहाँ पे नहीं पुट कर सकते, बाकी चीजें भी इन्वॉल्व है, आपने इसको भी सेटिस्फाई करवाना है, इसको भी करवाना है, इसको भी करवाना है, उसको हम कहेंगे कंस्ट्रेंट, रिस्ट्रिक्शन आप पे क्या लगी हुई है। तो यहाँ पे 3-4 रिस्ट्रिक्शन आपके पास लगी हुई है, इनको आपने देख के इसके अंदर कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो आपको ऑप्टिमल पूरा आंसर दे, कि आपकी कॉस्ट भी अच्छी हो, प्रॉफिट भी आपका मैक्सिमम अच्छा हो, और वो चीज रियल में भी प्रॉब्लम हो, मतलब रियल में भी पॉसिबल हो। 50 एकड़ की लैंड है, आप 60 पे तो नहीं कर सकते ना, तो हर चीज को आपने ओवरऑल देखना है। ये बच्चों रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, इसको आप कन्वर्ट कर रहे हो इनइक्वालिटीज में, सॉल्व करोगे और हल निकालोगे इसका। ये मैथ की एप्लीकेशन भी आपको नजर आ रही है किस तरीके से मैथ इन्वॉल्व है। कोई सवाल है यहाँ तक पूछ लो, मैं बाकी सवाल आप लोगों को करवाता हूँ। पहले मैं सबका ना ये मेथड आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपने कन्वर्ट करना है, फिर एक किसी एक सवाल को करवा दूँ, ठीक है। अच्छा मैं इसको मिटा नहीं रहा, मैं इसके साथ ही आप लोगों को दूसरा समझा देता हूँ। अब जरा दूसरी सिचुएशन देखते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 3 की सिचुएशन। उम्मीद है अब आप लोगों को थोड़ी बातें समझ आ गई होंगी, समझना थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। नॉर्मली मैं जब ना कोई भी सवाल पढ़ता हूँ तो मैं सवाल को एंड पे जाके देखता हूँ कि पूछ क्या रहे, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के एंड पे क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, ऊपर क्या बोला है, व्हाट शुड बी द क्वांटिटी फॉर ईच ऑफ द टॉय टू मैक्सिमाइज द सेलिंग अमाउंट, कुछ टॉय की बात की जा रही है। आप पहली लाइन पढ़ो, अ टॉय फैक्ट्री मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ टॉय ए एंड बी, तो यहां से मैं समझ जाऊंगा कि आपने सवाल के लिखा है व्हाट शुड बी द क्वांटिटी ऑफ ईच टॉय, मतलब क्वांटिटी ऑफ ए टॉय कितनी होगी, क्वांटिटी ऑफ बी टॉय कितनी होगी। तो मुझे आसानी हो जाएगी पहले वाले स्टेप में, मैं आसानी से लेट कर सकता हूं कि लेट कर लो एक्स जो है वो है क्वांटिटी ऑफ ए और वाई जो है वो क्या है क्वांटिटी ऑफ टॉय बी। तो आखिरी लाइन और पहली लाइन को अगर आप पढ़ो ना तो ये आप आसानी से बता सकते हो कि एक्स और वाई क्या है, कुछ सवालों में शायद मसला हो वरना आप देख के बता सकते हो, ठीक है। अब जब हम सवाल को पढ़ते हैं, अ टॉय फैक्ट्री मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ टॉयज ए एंड बी, दो टाइप के टॉयज बना रही है वो, एंड सेल्स फॉर रुपीज 25 एंड 20 रेस्पेक्टिवली, कि जो ए टॉय को वो 25 रुपए में बेच रहे हैं
और जो दूसरा टॉय बी उसको वो 20 रुपए में बेच रहे हैं, सिंपल सी बात है अभी तक तो। द टॉयज ए एंड बी रिस्पेक्टिवली रिक्वायर्ड 20 यूनिट्स एंड 12 यूनिट्स डेली आउट ऑफ 2000 अवेलेबल। वो ये कह रहे हैं अवेलेबल रिसोर्सेज यूनिट, वो कह रहे हैं कि जो टॉय ए जो है ना वो 20 यूनिट रिक्वायर कर रहा है डेली, और जो दूसरा टॉय बी है, यूनिट मतलब आप ये समझ लो कि रॉ मटेरियल आई गेस, आप टॉय बनाते हो उसके लिए आपको चीजें चाहिए भी होती है ना, तो कह रहे हैं कि जो टॉय ए है वो 20 चीजें उसको चाहिए होती हैं डेली, और टॉय बी को 12 यूनिट चाहिए होते हैं डेली। उसके बाद लिखा हुआ है बोथ रिक्वायर अ प्रोडक्शन टाइम ऑफ 5 मिनट एंड टोटल वर्किंग आवर्स ऑफ 9 पर डे। कहने का मतलब टॉय ए को बनाने के लिए 5 मिनट लगते हैं आपको प्रोडक्शन टाइम का, मतलब आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको, और टॉय बी को भी 5 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। और जो आपका वर्किंग टाइम है वो 9 घंटे है, कि आप दिन में 9 घंटे काम कर सकते हो। फिर आगे वही लिखा हुआ है व्हाट शुड बी द क्वांटिटी फॉर ईच ऑफ द टॉय टू मैक्सिमाइज। अच्छा, सबसे पहली बात आपने क्या करना है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है, बाकी सिचुएशन को हम बाद में देखते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, आपको प्राइस मिल गई है 25 और 20, तो आप लिखो 25x + 20y, x था टॉय ए के लिए, y था टॉय बी के लिए। अब आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे कि मैक्सिमम हो, क्योंकि ये है सेलिंग प्राइस। फॉर एग्जाम्पल एक्स अगर आपका यहाँ पे 100 हो जाए, वाई यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 200 हो जाए, तो देखो आपकी सेलिंग मतलब आपने कितनी की सेल की है, तो जितना ज्यादा सेल करोगे उतना ही आपको प्रॉफिट हुआ होगा, जाहिर सी बात। उसका मतलब आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। सवाल में भी वर्डिंग लिखी हुई है, लेकिन आप इसको खुद भी थोड़ा समझो ना, तो आपको समझ आ जाएगी कि आपको इसको मैक्सिमम करना है, अपने जो उसको मिनिमम नहीं करना, आप ज्यादा बेचना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब आप देखोगे कॉन्स्टेंट्स क्या है, लीनियर इनक्वालिटीज क्या बन रही है यहाँ पे। सबसे पहली लीनियर इनक्वालिटी क्या बनेगी यहाँ पे, कि जो टॉय ए है उसको चाहिए होते हैं 20 यूनिट और टॉय बी को चाहिए होते हैं 12 यूनिट, ठीक चाहिए होते हैं ना। और रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आपके पास अवेलेबल जो है वो 2000 यूनिट है, ज्यादा तो आप नहीं यूज कर सकते। तो इनक्वालिटी क्या बनाओगे आप लिखोगे 20x + 12y इज लेस देन और इक्वल टू 2000, कि आपने x और y ऐसा चूज करना है जो आप यहां पे पुट करो और आंसर उसका लेस देन 2000 है। जैसे मैंने यहां पे x 100 चूज किया था, x 100 यहां पे चूज करोगे तो 2000 तो यहीं पे बन गया, y 20 चूज करोगे तो 2000 से ज्यादा हो रहा है। कहने का मतलब मैं अपने हिसाब से तो कुछ नहीं कर सकता, मुझे इस रिस्ट्रिक्शन को देखना पड़ेगा कि ये पूरी चीज जो है लेस देन क्या, क्योंकि आपके पास अवेलेबल ही 2000 यूनिट है, तो आप एक्स और वाई ऐसा चूज करोगे कि आंसर जो है वो 2000 से या तो कम हो या 2000 के बराबर हो, ठीक है। एक इनइक्वालिटी ये है। दूसरी क्या है, बोथ रिक्वायर अ प्रोडक्शन टाइम ऑफ 5 मिनट एंड टोटल वर्किंग आवर 9 है। अच्छा काम करो, यूनिट सेम कर लो, एक यूनिट है मिनट, एक यूनिट है आवर्स, तो यूनिट सेम कर लेना, आवर्स को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 9 घंटे हैं, 9 घंटों को 60 से मल्टीप्लाई करो, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये हो जाएगा 540 मिनट। तो वो बोल रहे हैं कि दोनों को बनाने के लिए 5 मिनट लगते हैं, लेकिन हमारे पास टोटल कितने मिनट है, मतलब दिन में आप कितना काम कर रहे हो, 9 घंटे काम कर रहे हो, मतलब 540 मिनट है, तो आप क्या लिखोगे 5x + 5y < 540। क्या मतलब है इसका, उन्होंने बोला था कि दोनों का प्रोडक्शन टाइम सेम है, तो एक्स को भी 5 मिनट के अंदर बनाओगे, वाई को भी 5 मिनट के अंदर बनाओगे, लेकिन टोटल टाइम अवेलेबल कितना है। आप यहाँ पे एक्स फॉर एग्जाम्पल 100 पुट कर दो, ये 500 हो जाएगा, 200 पुट करो तो ये तो 540 से ज्यादा हो रहा है। कहने का मतलब जितना टाइम है उतने उसमें अंदर बनाओगे ना आप, तो दोनों का जो मैंने टाइम है वो 5 मिनट ही है, ठीक है, और ये कितना होना चाहिए, 540 से या तो कम हो जाए, जल्दी आपने बना लिया, या 540 के बराबर हो। 540 से ज्यादा आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करना, 9 घंटे ही आपको यहाँ पे काम करना, ठीक है। दैट्स इट, ये आपकी दो रिस्ट्रिक्शन थी, और बाकी आप खुद लगा लो एक्स और वाई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आपने यहां से ऐसा एक्स और वाई चूज करना है जो आप यहाँ पे पुट करो, आंसर आपको मैक्सिमम मिले। ये समझ लो आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि शुरू के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट है वो तो आपको बना के दिया हुआ है। अगर आप देखो इनइक्वालिटीज और ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना के दिया हुआ आपको, तो कोई नई बात नहीं हमने करना। आखिरी सवाल पे आ जाओ, अगेन मैं इसको जरा एंड पे पढ़ के देखता हूँ, शायद मुझे कुछ समझ आ जाए बात। लिखा हुआ है हाउ मेनी आवर्स पर वीक शुड ही एम्प्लॉय ईच पर्सन टू मिनिमाइज द कॉस्ट। तो यहाँ पे एक्स और वाई नंबर ऑफ आवर्स होंगे, यही पूछा हुआ है ना, हाउ मेनी आवर्स पर वीक, तो नंबर ऑफ आवर्स होंगे। ऊपर जरा देखते हैं, एट अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अब्दुल सत्तार विशेस टू एम्प्लॉय 2 पीपल। देखो 2 पीपल आ गए, फरहान और सरफराज। अब जरा हम लिखते हैं इसको, लिखेंगे एक्स जो है, लेट कर लो एक्स जो है वो नंबर ऑफ आवर्स पर डे
कि पहले बंदा क्या है, फरहान कर लेते हैं, ठीक है, और वाई जो है वो नंबर ऑफ आवर्स है पर डे, ऑब्वियसली नहीं पर वीक है, पर डे है, पर वीक है, सही है। ऑफ कौन बचा दूसरा, सरफराज, ठीक है, तो ये आप लेट कर लिया। अब एक और प्रोसेस क्या था कि आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाओ, देखो बनाते हैं हम। अच्छा एंड पे लिखा हुआ है मिनिमाइज द कॉस्ट। अब देखो यहाँ पे कॉस्ट इन्वॉल्व है, कॉस्ट को आप मैक्सिमाइज नहीं करना चाहोगे, हमेशा मिनिमाइज करना चाहोगे, तो यहाँ पे जो भी फंक्शन बनेगा वो मिनिमाइज करना है आपने। फंक्शन कैसे बनाओगे, बनाते हैं अभी। लिखा हुआ है फरहान इज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड कैन ग्रेड 20 पेपर्स पर आवर, फरहान अर्न्स $15 पर आवर। अब ये फरहान की कॉस्ट आ गई, क्या है, $15 पर आवर। तो एक्स जो था वो नंबर ऑफ आवर था। अब जरा दूसरे की लेते हैं, दूसरा है नीचे लिखा हुआ है सरफराज अर्न्स $25 पर आवर, तो सरफराज को हमने वाई बोला हुआ है 25। ये आपका बन गया बच्चों ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मैंने कहा ऑब्जेक्टिव फंक्शन डायरेक्ट बना लो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में प्राइस, कॉस्ट, प्रॉफिट, इस टाइप की चीज इन्वॉल्व होगी। तो आपने डायरेक्ट देखा है जो नंबर ऑफ आवर्स है। अब अगर फरहान के पर वीक 10 नंबर ऑफ आवर्स होंगे तो 10 मल्टीप्लाई 15 $150 उसके बन जाएंगे, और बिल्कुल इसके 5 हैं तो 5 मल्टीप्लाई 25 125, तो ये आपकी अमाउंट बन गई है ना। आप चाहोगे इस अमाउंट को कम से कम रखें हम, लेकिन बाकी डिसीशंस को भी आपने देखना होगा। लेकिन अभी आपने क्या देखा कि ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, आपने क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है। आप चाह रहे हो कि कम से कम आपके पैसे खर्च हों। अब जरा हम देखते हैं बाकी रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। तो शुरू से पढ़ते हैं हम कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, ठीक है, वो दो एम्प्लॉय मतलब दो लोगों को रखना चाह रहा है, सिंपल सी बात है। अच्छा जो फरहान है वो ग्रेजुएट स्टूडेंट है। ग्रेजुएट नॉर्मली हम बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी जिसने पास कर ली है, तो वो कंसिडर कर लो यूनिवर्सिटी का पास आउट है, और वो 20 पेपर्स 1 घंटे के अंदर ग्रेड करता है, मतलब 1 घंटे के अंदर 20 पेपर वो चेक करता है। अच्छा और $15 लेता है। सरफराज जो है वो पोस्ट डॉक्टोरल एसोसिएट, पीएचडी समझ लो आप इसको, और वो क्या कहते हैं मतलब पीएचडी का स्टूडेंट है, लिखा हुआ ना पोस्ट डॉक्टोरल एसोसिएट, पीएचडी का कंसीडर कर लो स्टूडेंट है जहां तक मैं समझ रहा हूँ इसका मतलब। एंड कैन ग्रेड 30 पेपर्स पर आवर, मतलब वो 30 पेपर जो है वो 1 घंटे में चेक कर सकता है। जो पहला स्टूडेंट है वो 20 चेक कर सकता है, और जो दूसरा है वो 30 चेक कर सकता है, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ, सरफराज नहीं खत्म हो गए, ईच मस्ट बी एम्प्लॉयड एटलीस्ट 1 आवर पर वीक। वो कह रहे हैं एटलीस्ट 1 आवर तो उनको एम्प्लॉय करना ही करना है आपने वीक के अंदर। टू जस्टिफाई द एम्प्लॉयमेंट इफ प्रोफेसर अब्दुल सत्तार हैज एटलीस्ट 110 पेपर्स टू बी ग्रेडेड ईच वीक। वो कह रहे हैं कि 110 पेपर है टोटल, उसको आपने चेक करना है हर वीक के अंदर। अब ये आपके पास है रिसेशन आ गई, कैसे जरा देखो, ये रिसेशन है, कैसे पता चला मुझे भाई, ये चेक करता है 20 पेपर, ये चेक करता है 30 पेपर। आपने ये एक्स जो है नंबर ऑफ आवर्स है, कंसिडर कर लो ये काम कर रहा है 2 दिन, सॉरी 2 घंटे काम कर रहा है वीक के अंदर, ये काम कर रहा है 3 घंटे, कंसिडर कर लो। तो 2 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं 40, और 30 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 90। ये तो खैर 110 से ज्यादा जा रहा है ना, कंसीडर कर लो इसको भी 2 लेते हैं। तो कहने का मतलब आपको ऐसा एक्स और वाई चाहिए कि जिससे आपके पास, एक सेकेंड, यहाँ पे इनइक्वालिटी ये वाली बनेगी। अब ये क्यों बन रही है वो जरा सवाल में देखते हैं। सवाल में एंड पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि ईच मस्ट बी, सही है, सेकंड लास्ट लाइन है, इफ प्रोफेसर अब्दुल सत्तार हैज एटलीस्ट 110 पेपर्स टू बी ग्रेडेड ईच वीक। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम उसके पास 110 है। ऐसा भी तो हो सकता है किसी वीक में 110 से ज्यादा हो उसके पास, उन्होंने बोला कम से कम 110 है। अगर तो बोलते हैं ना एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा 110 पेपर है, भाई 110 से तो हो ही नहीं सकते ज्यादा। लेकिन एटलीस्ट का मतलब क्या है भाई, 110 तो लाजमी होंगे और 110 से ज्यादा भी होंगे, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ठीक है। तो दैट्स वाई कम से कम का मतलब क्या है कि एटलीस्ट 110 पेपर तो उन्होंने चेक करना है। हाँ 110 से ज्यादा पेपर भी चेक कर सकते हैं वो, तो ग्रेटर की मैंने इक्वालिटी क्यों लगाई है कि वो 110 से ज्यादा भी चेक कर सकते हैं, मे बी उस वीक 120 पेपर हो, 130 हो, तो या तो ज्यादा चेक करें या कम से कम 110 तो करना ही करना है उन्होंने, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे कौन सी आई है, ग्रेटर और इक्वल वाली आई है यहाँ पे, तो एक ये है। अच्छा दूसरी यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे लिखी हुई थी ईच मस्ट बी एम्प्लॉयड एटलीस्ट 1 आवर पर वीक टू जस्टिफाई देयर एम्प्लॉयमेंट, कि उनको 1 घंटा काम तो लाजमी करना है पर वीक। इससे कैसे हम बना सकते हैं 1 घंटा काम करना है उनको पर वीक, तो
एक सेकेंड, अब ये इसमें 20 वेबर पर आर हैं, 1 घंटा उनको काम करना है वीक के अंदर, तो इसमें एक्स और वाई के साथ कुछ खेल खेलना है आपने। हाँ, इसका मतलब ये बनेगा, देखो शुरू शुरू में आप लोगों को मसला होगा, तो मुझे मसला हो रहा है तो आप लोगों को तो होगा, इसलिए मैंने कहा बुक के क्वेश्चन कर लो, बस पेपर में ही आएंगे, बुक के समझ लो, दैट्स इट। 3 सवाल है आपके पास, आसानी से कोई एक आ जाएगा, और मुझे लगता है लॉन्ग में कहीं ना कहीं इसको डाल देंगे। अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लिटरी मैं जो भी मास्टर्स करूँ ना अप्लाइड मैथमेटिक्स में, सेम इस सेमेस्टर जो मेरा कोर्स है उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग का पोर्शन है, एग्जैक्टली यही पोर्शन है, बट दूसरा मेथड भी है जो मैंने आप लोगों को बताया था, और ये वाला मेथड भी है, काफी काम का मेथड है ये, रियल प्रॉब्लम से काफी एसोसिएट है। ये मैंने 2 कैसे बनाएंगे, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने जुमला बोला है कि ईच मस्ट बी एम्प्लॉयड एट लीस्ट 1 आवर पर वीक, वो कह रहे हैं कि 1 घंटा तो लाजमी उन्होंने काम करना है, कि जो उनको जॉब पे रखा है कुछ तो इनपुट देना, 1 घंटा तो लाजमी काम करेंगे, ठीक है। तो दैट से मैंने क्या बोला, एक्स क्या था, नंबर ऑफ आवर्स ना, तो वो नंबर ऑफ आवर्स 1 होना चाहिए या 1 से ग्रेटर होना चाहिए, अगेन एटलीस्ट का मतलब समझो, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, भाई 1 घंटा तो लाजमी काम करना है या 1 घंटा से ज्यादा काम करेंगे वो, ठीक है। तो क्या मतलब है, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसी तरह दूसरे की भी यही बात है कि या तो वो 1 घंटा काम करेगा या 1 घंटा से उसको ज्यादा करना है, एटलीस्ट एक तो करना ही करना है उसको। दैट्स वाई यहाँ पे आपके पास एक ये इनइक्वालिटी है, एक ये है और एक ये है, और बाकी 2 एंड पे तो मैंने आप लोगों को बताया हमेशा पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो ये बच्चों आपके पास सिस्टम है, इसको आप सॉल्व करोगे, फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल के बाद आप कॉर्नर पॉइंट निकालोगे, वंस कॉर्नर पॉइंट आ जाए यहाँ पे पुट करोगे, सबसे मिनिमम जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। मुझे पता है थोड़ा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करो, समझ आ जाएगी। अच्छा, चारों जो बच्चे बैठे हैं उनको समझ आएगी जो मैंने बातें बताई हैं सारी? थोड़ा 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 तो आ रहा है, रिकॉर्डिंग से देखना, थोड़ा सोच लेना, समझ आ जाएगी आपको बात, क्योंकि मुझे लग रहा है पेपर पैटर्न मुझे भी पता नहीं, लेकिन एक वर्ड प्रॉब्लम 9.3 का आ जाएगा, बाकी पूरा 9 चैप्टर से कुछ नहीं देंगे वो, क्योंकि 9.1 जो है ना, 9.3 का जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें हर चीज सॉल्व हुई है, लाइक लीनियर इनइक्वालिटी भी आ गई, ग्राफ भी आ गया, फिर लीनियर प्रोग्रामिंग भी हो गई, तो मुझे लगता है कि सवाल लॉन्ग में कहीं ना कहीं 6-7 नंबर का देंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ तैयारी कर लो तो बेहतर, और अगर अभी ना दिया तो यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं तो आपको नजर आ ही जाएगा, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सारा। अच्छा, मैं काम करता हूँ, बुक में मेरे ख्याल में 2 एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल है, दो बुक में 2 एग्जाम्पल है, मैं 2 एग्जाम्पल समझा देता हूँ, बाकी मेरे ख्याल में टाइम हो जाएगा तो आप लोग थक भी जाओगे, तो एक क्वेश्चन जो है वो कल प्रॉपर पूरा करवा दूंगा, जितने मैंने 5 क्वेश्चन है ना, 2 एग्जाम्पल 3 उसमें जो है, तो ये इनमें से कोई एक मैं चूज करूंगा या आप लोगों को जो लगे वो चूज करेंगे, और उसको प्रॉपर सॉल्व कर लेंगे पेपर में, आपने किस तरह सॉल्व करना है, ये कंडीशन तो आप लोग बना लोगे, सॉल्व किस तरीके से होगा, तो पहले कंडीशन बनाना सीख लिया आपने, फिर मैं इंशाल्लाह कल एक सॉल्व करवा दूंगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, 10-15 मिनट रह गए, आप लोग थक भी गए होंगे, तो जो एग्जाम्पल है ना उनको जरा हम समझ लेते हैं, ठीक है, फिर बाकी बाद में करेंगे। अच्छा, बाय द वे ये ना, ये कभी एग्जाम्पल आपको टेबल की फॉर्म में भी गिवन होती है, या आमतौर पे हाँ टेबल की फॉर्म में गिवन होती है, तो टेबल से कैसे डेटा निकालोगे उसको भी हम देख लेंगे, या कभी सॉल्यूशन जो है उसको टेबल की फॉर्म में आमतौर पर लिख दिया जाता है, कोई शर्त नहीं है, आप उसको इस तरह भी लिख सकते हो, आप उसको टेबल की फॉर्म में भी लिख सकते हो, टेबल की फॉर्म मुझे ज्यादा मुश्किल लगती है कि आपको अरेंज करना है, किसको आप कॉलम बनाओ, किसको रॉ बनाओ, तो बेहतर है जो मैंने तरीका बताया मैंने इसी के मुताबिक कल मैं एक सवाल करवाऊंगा, आप उसी को फॉलो करना, बुक को फॉलो नहीं करो, बुक टेबल बना रहे, टेबल बनाने में फंसे रहोगे, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ वैसे ही हम जरा देखते हैं, ये है एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 284 पे, अगेन वही बात, मैं एंड पे देखता हूँ जरा, सबसे पहले लिखा हुआ हाउ मेनी डेज पर वीक ईच मेल इज ऑपरेटेड, अगेन एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ डेज पर वीक, अब यहाँ पे मैं कल में 2 मिल इन्वॉल्व होंगी, हाँ सवाल में अगर आप पहली लाइन में देखो 2 मिल इन्वॉल्व है, ऑफ मिल ए, और वाई को आप ले लो नंबर ऑफ डेज पर वीक ऑफ मिल बी, तो ये तो मसला मेरे लिए हल हो गया। फिर जरा देखते हैं कहीं ना कहीं कॉस्ट इन्वॉल्व है कहीं, देखो हाँ ये आपको मिल जाएगी 4थी लाइन के ऊपर, लिखा हुआ है इट कॉस्ट द कंपनी ₹1,000 and 800 पर डे टू रन मिल ए एंड बी, मतलब ए को रन करने के लिए ₹1,000 कॉस्ट लग रही है और बी को रन करने के लिए 800 लग रही है, तो आप लिखो 1,000x + 800y, ए को चलाने के लिए पर डे ₹1,000 लग रहे हैं आपके, और दूसरी मिल बी को चलाने के लिए आपको ₹800 लग रहे हैं, तो आप लोग क्या चाहोगे, ये फंक्शन मैक्सिमम हो या मिनिमम हो?
सर मिनिमम होना चाहिए, शुक्र है किसी ने मैक्सिमम नहीं बोला, क्योंकि मैक्सिमम से मामला खराब हो जाएगा आपका, ये आपकी कॉस्ट लग रही है। अगेन वही बात, आप अगर किसी चीज को बिजनेस को रन कर रहे हो ना, तो आप कॉस्ट को कम से कम करना चाहोगे, लेकिन अब ऐसी भी कम ना हो जाए कि बाकी चीजों में मसला हो जाए। जैसे अगर आप रोड बना रहे हो, तो ऐसा भी नहीं कि रोड में आपने पैसे ही खर्च कर देना है, लेकिन इतनी भी कंजूसी नहीं करनी कि मटेरियल जैसे पाकिस्तान में होती है वो कंजूसी नहीं करते, वो समय खा रहे होते हैं, तो वो जो पीछे बचता है वो बेचारी रोड हर बारिश के बाद, बारिश नहीं भी हो फिर भी टूट जाती है वो। तो आपने कॉस्ट कम करनी होती है, लेकिन बाकी चीजों को भी ध्यान में रखना होता है कि यार वहां से मसला ना हो जाए। तो बेसिकली आपने इसको मिनिमाइज ही करना है, कम करना है, लेकिन अब बाकी चीजें भी आपको देखनी है। अब जरा बाकी चीजों पे आते हैं, सवाल पढ़ते हैं। अ कंपनी हैज टू फ्लोर मिल्स ए एंड बी, आटा बनाने की मिल है, विच हैव डिफरेंट कैपेसिटीज फॉर हाई मीडियम एंड लो ग्रेड फ्लोर। अगर आप देखो अभी भी जब आप आटा मार्केट में लेते हो, तो एक सबसे अच्छा आटा होता है, किसी को पता है क्या बोलते हैं उसको, क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, चक्की का आटा, वो सबसे अच्छा होता है, प्रॉपर चक्की का आटा, मतलब प्रॉपर गंदम से आपका निकलता है, कोई इसमें रिफाइन कुछ भी नहीं किया था। दूसरा मार्केट में आपको आटा मिलेगा जिसको आप कहते हो, वो पता ही नहीं है नाम, आटा नहीं खाते क्या, फाइन आटा कहते हैं, जो वो सफेद आटा होता है जो होटल में आपको नजर आता है, वो व्हाइट व्हाइट सी रोटियां बन रही होती हैं उसकी। और कुछ आटे ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही लो ग्रेड होते हैं, वो बासी रोटियों से उन्होंने बनाए हुए होते हैं, जो आमतौर पर जब वो गवर्नमेंट सप्लाई करती है ना गरीबों को, वो घटिया क्वालिटी जितना हो सकता है ना उतना आटा बांटते हैं। आपको अगर लगता है अच्छी क्वालिटी का बांटेंगे, अल्लाह माफी करे, तो काफी क्वालिटीज होती हैं, तो वही चीज है उन्होंने, अच्छा जितनी क्वालिटी जितना आप रिफाइन कर दोगे ना उसको, तो आप सेहत के लिए खराब हो जाती है। वैसे बाय द वे चक्की का आटा सेहत के लिए सबसे अच्छा होता है, अगर आप उसको रिफाइन कर दो, फाइबर हटा दो उसमें से, तो व्हाइट आटा बन जाता है, वो सस्ता तो हो जाता है, उस फाइबर को कहीं और इस्तेमाल करते हैं वो लोग, वो आटा तो सस्ता मिलता है लेकिन सेहत के लिए खराब होता है, तो जितना सस्ता आटा होगा ऑब्वियसली सेहत के लिए खराब होगा। बहरहाल तो लिखा हुआ उन्होंने कि तीन किस्म के आटे बनाते हैं, एक तो हाई क्वालिटी का होता है, एक मीडियम क्वालिटी का होता है, एक लो क्वालिटी का होता है। और आपके पास मिल्स कितनी है जिसमें आप बना रहे हो, दो मिल रही है, मतलब मिल ए आपके पास है उसके अंदर आप तीन किस्म का आटा बना रहे हो, इसी तरह मिल बी है उसके अंदर आप तीन किस्म का आटा बना रहे हो। दिस कंपनी हैज टू सप्लाई फ्लोर टू अ फर्म एवरी वीक, उसने मतलब आटा बांटना है किसी भी फर्म को 12वें वीक में, एवरी 12 वीक 8 नहीं नहीं सॉरी, दिस कंपनी हैज टू सप्लाई फ्लोर टू अ फर्म एवरी वीक। अच्छा, उन्होंने आटा सप्लाई करना है किसी एक फर्म को हर हफ्ते, कितना करना है, 12, 8 and 24 क्विंटल्स, और उन्होंने आगे क्विंटल्स लिखा हुआ है, 1 क्विंटल होता है 100 kg, तो 12 का मतलब क्या होगा, 12 × 100 1200 kg, 800 kg और 2400 kg, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो हाई क्वालिटी है, अब देखो ऑर्डर देख लेना, हाई मीडियम लो की बात की जा रही है, तो पहली चीज हाई को शो कर रही है, उन्होंने किसी एक कंपनी को किसी फर्म को उन्होंने 1200 kg हर हफ्ते आटा परफॉर्म आटा देना है हाई क्वालिटी का, मीडियम क्वालिटी का 800 kg उन्होंने उनको देना है, और लो क्वालिटी का 2400 kg उन्होंने हर वीक देना है, ठीक है, आटा किसी भी एक फर्म को कंसिडर कर लो। अब वैसे बाय द वे एक रिस्ट्रिक्शन है ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा जब बाकी चीजें भी आ गए, आगे लिखा हुआ है ऑफ हाई मीडियम लो ग्रेड रेस्पेक्टिवली, फिर आगे लिखा हुआ है इट कॉस्ट द कंपनी, कॉस्ट वाली चीज तो मैंने आप लोगों को ऊपर बता दी है। अब एक और रिस्ट्रिक्शन भी है, ऑन अ डे मिल ए प्रोड्यूसेस 6, 2 and 4 क्विंटल्स, जो मिल ए है ना, अब ऑब्वियसली हाई मीडियम लो की बात की जा रही है, कि किसी भी दिन जो मिल ए है वो हाई क्वालिटी का जो आटा है वो 6 क्विंटल्स बनाती है, मतलब 600 kg, जो मीडियम का है वो 2 क्विंटल्स और जो लो का है वो 4 क्विंटल्स। इसी तरीके से मिल बी जो है वो 2, 2, 12, मतलब 2 हाई 2 मीडियम और 12 लो का आटा बना रही है। ये आपका कंप्लीट हो गया, मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरह आप लिखोगे इसको। हाँ, जो एक्स है वो नंबर ऑफ डेज है मिल चलती है, सबसे पहली बात अगर आप देखो वर्डिंग उन्होंने लिखी हुई थी, मिल ए जो है वो हाई क्वालिटी का बनाती है 6 क्विंटल्स, मीडियम का बनाती है 2 और लो का बनाती है 4, और अगर बी की बात करें वो बनाती है 2, 2, 12, 2, 2, 12, ये सिचुएशन लिखी हुई है। अब आपने इसको कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो हाई क्वालिटी है उसकी डिमांड कितनी है, आपको कितना देना है, आपको हर वीक कितना देना है, 1200 kg देना है, अगर क्विंटल में कन्वर्ट करें तो 12 क्विंटल देना है, ठीक है, तो टोटल जिस कंपनी को आपने हाई ग्रेड जो आटा देना है ना वो 12 देना है, ठीक है। अच्छा, मीडियम कितना आपको देना है, 8 क्विंटल, और लो आपको कितना देना है, 2400, सॉरी 24 क्विंटल। तो
तो कहने का मतलब ये है, और ये जो इन्होंने लिखा हुआ है ना, ये उन्होंने बोला हुआ है कि मिल अगर एक दिन काम करती है ना, वो उन्होंने चीज मेंशन नहीं की हुई, हाँ एक दिन में अगर वो काम करेगी, खत्म हो गया सवाल, एक दिन अगर मिल ए चलेगी ना तो वो 6 क्विंटल बनाएगी हाई, बनाएगी 2 और लो बनाएगी 4, और ये चीज बी के सामने भी लिखी है। तो सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन आप यहाँ पे लगाओगे, 6x + 2y इज लेस देन और इक्वल टू 12, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। अब इसका मतलब क्या है, एक्स क्या था, नंबर ऑफ डेज मिल ए के लिए, तो अगर मिल, और वाई क्या था, नंबर ऑफ डेज मिल बी के लिए, तो अगर आप हाई की बात करो, हाई ग्रेड जो आटा बन रहा है, 6x + 2y, इसका मतलब क्या है कि मिल ए जो है वो एक दिन में 6 क्विंटल बना रही है, मिल बी जो है वो एक दिन में कितना बना रही है, 2 बना रही है। तो ये पूरी चीज कितनी होनी चाहिए, कम से कम, बच्चों आप देखो, आप कंसीडर करो आपने किसी कंपनी को देना है आटा, तो कम तो 12 kg चाहिए ना उनको, 12 तो लाजमी चाहिए उनको, 12 क्विंटल, 12 से ज्यादा बन जाए अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 12 तो देना ही देना है आपको। ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ पे आप इनइक्वालिटी लगा दो लेस देन वाली, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेस देन का मतलब क्या होता है, या तो 12 या 12 से कम, 12 से कम नहीं बना सकते आप, आपने कंपनी को देने ही 12 है। उन्होंने वर्डिंग यहाँ पे क्या यूज की थी, दिस कंपनी हैज टू सप्लाई फ्लोर टू अ फर्म एवरी वीक 12, 8 and 24 क्विंटल, आपको 12 क्विंटल तो देने हैं हाई के। तो ऐसा कैसे हो सकता है 12 से कम बनाओ, तो 12 तो आपको बनाने ही बनाने हैं, 12 से ज्यादा बना लो अच्छी बात है, लेकिन 12 तो लाजमी आपको बनाने हैं, तो दैट्स व्हाई ग्रेटर वाली मैंने यहाँ पे लगा दी। इसी तरीके से अगर आप मीडियम की बात करो, तो एक दिन में मिल ए कितना बना रही है, 2, तो आप 2x लिख दो, और मिल बी कितना बना रही है, 2, तो 2y हो जाएगा। और अगेन कम से कम 8 तो आपको बनाने ही बनाने हैं, 8 से ज्यादा बना लो सही है, लेकिन कम से कम 8 तो आपको बनानी है। इसी तरह अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 4x + 12y is greater than or equal to 24। अब इस सवाल में टेबल से अच्छा आपको समझ आ रहा है, लेकिन जो लास्ट वाले सवाल करवाए थे उसमें टेबल मजा नहीं आ रहा था, आपने वैसे ही देख के बना लिया था। तो असल चीज है कि इनइक्वालिटीज आपको बनानी आनी चाहिए, दैट्स इट, बाकी को टेबल बनाना कोई जरूरत नहीं होता आपको, ठीक है। तो अगर रिस्ट्रिक्शन आप देखो, अब अगर बिलफर्ज अगर आप कंसिडर करते हो, यार मैं एक्स ले रहा हूँ 2 और वाई ले रहा हूं मैं फॉर एग्जाम्पल 3, तो अब आपने वैल्यूज देखनी है क्या सेटिस्फाई कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर 2 पुट कर रहे हो ये 12 हो जाएगा, 3 पुट कर रहे हो 6 हो जाएगा, तो इनका सम 12 से ग्रेटर है, मतलब आपको ऐसी वैल्यूज चूज करनी है जो इन इक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रही हो। मतलब आपने मिल ए को हफ्ते में, ये ना हो कि एक दिन चलाओ और आपके पास आटे ही ना बन रहा हो, तो आपने मिल ए और मिल बी को हफ्ते में इतने दिन चलाना है कि 12, 8, 24 से ग्रेटर आपको मिले, या इसके बराबर हो या इससे ग्रेटर मिले। लेकिन अब इतना भी नहीं चलाना कि आपकी कॉस्ट इतनी इन्वॉल्व हो जाए, कॉस्ट भी तो इन्वॉल्व है, एक दिन चलाने के लिए मिल ए की कॉस्ट 1000 है और मिल बी की कॉस्ट 800 है, तो अब इतना भी नहीं आप चलाओ कि यार आपकी कॉस्ट ही बहुत बढ़ जाए। तो आपने इन रिस्ट्रिक्शंस को देखना है, लेकिन साथ साथ कॉस्ट को भी देखना है कि यार वो भी कम से कम हो। तो अब आप यहाँ पे मैथ के जरिए से इन सब चीजों को सॉल्व करोगे और ऑप्टिमल एक्स और वाई निकालोगे जो इन बातों को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा और कम से कम आपकी कॉस्ट वहां पे इन्वॉल्व होगी, ठीक है। तो बाकी आप ये 3 है, इनमें आप ये भी लगा दो तो ऑब्वियसली पॉजिटिव भी होना चाहिए, वो तो ये पूरा बनेगा सेंस। और उसके बाद सॉल्व किस तरह करना है वो इंशाल्लाह हम देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, सही है। बस एक आखिरी सवाल हम समझ लेते हैं, कल इंशाल्लाह उसको हम कर लेंगे, और आप लोग रिकॉर्डिंग लाजमी मैं रिक्वेस्ट करूंगा देख लेना आज, वरना कल की क्लास आप लोगों को समझ नहीं आएगी ना, आ तो जाएगी समझ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसको। जो आखिरी सवाल है एग्जाम्पल नंबर 2 page number 286 पे लिखा हुआ वर्कशॉप, अच्छा एंड पे लिखा हुआ फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट अंडर गिवन कॉन्स्टेंट्स। अब मुझे एक्स और वाई समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या होगा, तो हम बाद में देखते हैं, पढ़ते हैं जरा। लिखा हुआ वर्कशॉप हैज 3 टाइप्स ऑफ मशीन्स ए बी सी, एक वर्कशॉप है जिसके पास 3 मशीन है, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी। इट कैन मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट्स 1 and 2। आप कह लो कि यार 2 टाइप का प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2, 3 मशीनें आपकी बना रही हैं। लिखा हुआ ऑल प्रोडक्ट्स हैव टू गो टू ईच मशीन एंड ईच वन गोज इन द सेम ऑर्डर। वो कह रहे हैं ऑर्डर क्या है, पहले ए फिर बी, फिर कि आप 2 प्रोडक्ट बना रहे हो, उनको नाम उन्होंने दे दिया कि प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2। दोनों प्रोडक्ट जो हैं वो बारी बारी हर मशीन में जाएंगे। कंसीडर कर लो पहली मशीन कुछ, जैसे अगर आपने कोई वीडियो देखी हो ना, एक जमाने में फेसबुक पे देखी थी मैंने, वो बॉल बनाने की या बैट बनाने की वो वीडियो होती है कि क्रिकेट का बैट आप कैसे बनाते हो। तो आप देखो सबसे पहले रॉ मटेरियल होता है वो एक मशीन में जाता है, वो उसको सीधा करते हैं, शेप देते हैं, फिर वो दूसरे में जाता है, फिर दूसरे में कटिंग कर रहे हैं या कुछ भी उसको कर रहे हैं, तीसरे में कोई हैंडल जोड़ रहे हैं उसका बैट के साथ। कहने का मतलब एक ही प्रोडक्ट है आपका,
देखिए मैं पहले मशीन ए में जा रहा है, फिर वो बी में जा रहा है, फिर रिफाइन होके मशीन सी में जा रहा है, इस तरह काम पूरा चल रहा है वो। तो यही चीज उन्होंने लिखी हुई है कि ईच एंड ऑल प्रोडक्ट हैव टू गो, मतलब दोनों प्रोडक्ट जो हैं उनको लास्टली ईच मशीन में जाना पड़ेगा, और ऑर्डर यही है कि सबसे पहले ए में जाएंगी, फिर वो बी में जाएंगी, फिर वो सी में जाएंगी। ये सिचुएशन आपको बताई हुई है पूरी। अब जो डाटा है ना वो टेबल के जरिए से उन्होंने बताया हुआ है। सबसे पहली चीज क्या लिखी हुई है, द फॉलोइंग टेबल शोज, टेबल आपको नेक्स्ट पेज में मिलेगा, द आवर्स। अच्छा इसमें अभी तक वो हमें समझ नहीं आया कि इसको मैक्सिमम करना है क्या करना है, ठीक है जरा देख लेते हैं अभी। खैर मुझे तो समझ आ गया, आप लोगों को बता दूंगा। द फॉलोइंग टेबल शोज द आवर्स नीडेड एट ईच मशीन पर प्रोडक्ट यूनिट। वो कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट वन है उसका अगर आप एक पीस बनाओगे तो कितने घंटे आपको लगेंगे। टेबल में लिखा हुआ है कि मशीन ए के अंदर आपको 2 घंटे लगेंगे प्रोडक्ट वन के ऊपर, और मशीन ए के अंदर आपको प्रोडक्ट टू में 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। और टोटल मशीन ए की वर्किंग कितनी है, 16 घंटे की। आप हफ्ते में 16 घंटे आप यूज कर सकते हो। तो आप इसको इनइक्वालिटी में कैसे लिखोगे। अब मुझे समझ आ गया इसमें से एक्स क्या होगा। एक्स होगा नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वन। प्रोडक्ट वन के कितने यूनिट, यही बात डिस्कस की हुई है ना कि यूनिट को बनने में कितने घंटे लगेंगे। तो उन्होंने बोला है कि जो प्रोडक्ट वन में, प्रोडक्ट वन का एक यूनिट अगर आप बनाओगे तो 2 घंटे लगेंगे मशीन ए में, फिर दूसरे में 2 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, या जो प्रोडक्ट वन या प्रोडक्ट टू की आप जो चीजें बना रहे हो, यूनिट्स बना रहे हो। प्रोडक्ट वन कंसिडर कर लो बैट है आपका, तो एक बैट तो नहीं बनाओगे ना, ज्यादा बनाओगे आप लोग। तो एक बैट बनाने के लिए मशीन ए में 2 घंटे लग रहे हैं आपको, मतलब जो भी आप मशीन ए में उसको काट रहे हो, जो भी कर रहे हो उसको। इसी तरह प्रोडक्ट टू जो है कंसिडर कर लो बॉल है, बॉल को बनाने के लिए 2 घंटे लग रहे हैं, लेकिन टोटल उस मशीन में कितने घंटे अवेलेबल है, 16 घंटे अवेलेबल है। अब 16 घंटे ज्यादा काम तो नहीं आप कर सकते ना, तो आप इसको कैसे लिखोगे। आप लिखोगे, मैं कॉन्स्टेंट बता रहा हूं आप लोगों को, क्या आप लिखोगे, 2x + 2y इज लेस देन और इक्वल टू 16। के बिलफर्ज आपने कंसीडर कर लेना, दो प्रोडक्ट है, एक को आप कह लो बैट, एक को आप कह लो बॉल। तो बैट आपने कितने बनाने हैं, कंसीडर कर लो आपने बैट बनाने हैं 3, और बॉल्स कितनी बनानी है, कंसीडर कर लो 4 बॉल्स बनानी है। अब एक बैट को बनाने में 2 घंटे लग रहे हैं, तो 3 बैट को बनाने में कितने लगेंगे, 6 घंटे। एक बॉल को बनाने में 2 घंटे लग रहे हैं, तो 4 बॉलों को कितने लगेंगे, 8। तो 6 + 8 क्या होता है, 14 से कम होता है, तो आप ले सकते हो। आपको वो ऐसी क्वांटिटी बतानी है जो आप यहाँ पे पुट करो। एक्स क्या है, नंबर ऑफ यूनिट, प्रोडक्ट वन के कितने यूनिट बनाने, फॉर एग्जाम्पल कितने बैट आपको बनाने हैं, और प्रोडक्ट टू कंसिडर कर लो बॉल, कितनी आपको बॉल्स बनानी है, जो इस बात को सेटिस्फाई करे, ये सेटिस्फाई करवानी है आपको। फिर दूसरी चीज क्या है, द टोटल अवेलेबल आवर्स फॉर ईच मशीन पर वीक। सही, वो तो आगे उन्होंने मेंशन किया हुआ था। इसी तरह अगर आप मशीन टेबल में जाओ ना, मशीन बी की अगर आप बात करो, तो मशीन बी में जो बैट है, प्रोडक्ट वन को मैं बैट बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट टू को मैं बॉल बोल रहा हूँ, तो बैट बनाने के लिए मशीन बी में 1 घंटा लग रहा है, और मशीन बी में बॉल बनाने के लिए 2 घंटे लग रहे हैं। तो आप कैसे लिखोगे, 1x + 2y, और आपको टोटल अवेलेबल कितने हैं, 12 हैं। तो 12 घंटे के अंदर ही आपको काम करना है, या तो 12 या 12 से कम, 12 घंटे ज्यादा आप कर नहीं सकते, आपको अलाउ नहीं है कि दूसरा बन जाएगा। इसी तरह अगर मशीन सी में आप देखो, मशीन सी के अंदर बैट बनाने के लिए आपको 4 घंटे लगते हैं, और बॉल बनाने के लिए आपको 2 घंटे लगते हैं। टोटल अवेलेबल कितने, 18। ये 3 तो आपने बना ली, ये 2 और ये 3, ये 3 आपके पास रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं। रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है ऑब्वियसली, आप 16 घंटे ज्यादा काम नहीं कर सकते मशीन ए में, नहीं कर सकती मशीन ए काम। मशीन बी में आप 12 घंटे ज्यादा काम नहीं कर सकते, मशीन सी में आप 18 घंटे ज्यादा काम नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है इसके ऊपर आपको, ठीक है। तो ये 3 रिस्ट्रिक्शन है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ये एंड पे उन्होंने लिखा हुआ है प्रॉफिट पर यूनिट, एक यूनिट पे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रोडक्ट वन कंसीडर कर लो, बैट में आपको इतना प्रॉफिट है, 1 रुपए का प्रॉफिट है, और बॉल में कितना प्रॉफिट है, 1.5 का। तो आप कैसे लिखोगे, 1x + 1.5y = z। मतलब एक यूनिट जो है उस पे आपको बैट में 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और जो प्रोडक्ट टू मतलब जो बॉल है, बॉल में आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1.5 हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 बॉल बना रहे हो, तो एक बॉल पे आपको 1.5 हो रहा है, 10 बॉलों पे कितना होगा, 15 हो जाएगा। इसी तरह अगर एक बैट पे आपको 1 रुपए का हो रहा है, तो 10 बैट पे कितना होगा, 10 रुपए का होगा। प्रॉफिट इन्वॉल्व है, आपने इसको मैक्सिमाइज करना है इसको। जितना ज्यादा आप इसको मैक्सिमम करोगे उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन आपने बाकी बातों को भी देखना है, इन 3 बातों को भी सेटिस्फाई करना है, साथ आपने कुछ ऐसा एक्स वाई चूज करना है कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले।
अच्छा, जो क्वेश्चन मैं चूज कर रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 2 है। आप लोग कोई भी चूज कर सकते हो, ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को एक दफा जब मैंने सब चीज स्टार्ट बता दी तो ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। एग्जाम्पल तो ऑलरेडी बुक में सॉल्व हुई है, इसलिए वो तो मैं चलो नहीं करवाता, उसका फायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक जनरलाइज बात बता देता हूँ कि जो भी ये वर्ड प्रॉब्लम है जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, इनको सॉल्व करने के कितने स्टेप्स होते हैं। बुक ने 7 स्टेप लिखे हैं, वो मैं स्टेप आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया भी हो जाए। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, उसकी हेडिंग इन्होंने बनाई है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, कि जो आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग का सवाल है ना, सबसे पहले आपने उसकी मैथमेटिकल फॉर्मूले बनाने हैं। उसके मतलब सिंपल जो वर्ड प्रॉब्लम में लिखा है ना, उसको इनइक्वालिटीज में आपने कन्वर्ट करना है, जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में समझाया था, उसको आप कहोगे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। ये आपका पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप क्या है, कॉन्स्ट्रक्ट द ग्राफ, जो आप 9.2 में करते हुए आए थे, या आपके पास इनइक्वालिटीज थी, आपने उसको क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। तीसरा स्टेप क्या, आइडेंटिफाई द फिजिबल रीजन, शेड वाला काम, जो आप शेड करते थे ना, उसको आप कहोगे आइडेंटिफाई करना है आपने फिजिबल रीजन, तो आइडेंटिफाई हो जाएगा। स्टेप 4 में लिखा हुआ है लोकेट द सॉल्यूशन पॉइंट। सॉल्यूशन पॉइंट कौन से थे, मैंने बताया था आप लोगों को कि जो आप लोग मेथड यूज कर रहे हैं, मेथड कहलाता है कॉर्नर पॉइंट मेथड। इसमें आपको कॉर्नर पॉइंट बस पता होना चाहिए, तो जो कॉर्नर पॉइंट है वो आप मालूम कर लेंगे। ये हमारा स्टेप 4 हो गया। स्टेप 5 में क्या लिखा हुआ है, एवेलुएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपको क्या करना होगा, जो कॉर्नर पॉइंट आपने निकाले है ना, उसको आपने फंक्शन के अंदर पुट करना होगा। ये आपका स्टेप 5 है। स्टेप 6 में लिखा था सेलेक्ट द ऑप्टिकल सेलेक्ट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैक्सिमम का सवाल है तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो वाला पॉइंट आप सेलेक्ट कर लोगे, और मिनिमाइज वाला सवाल होगा जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आप सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। और आखिरी क्या लिखा हुआ, स्टेप 7 वेरीफाई द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये कि जो पॉइंट आपने सेलेक्ट किया है, एहतियातन चेक कर लो क्या वो सवाल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, जो इनइक्वालिटीज थी क्या उन सबको सेटिस्फाई कर रहे हैं, एहतियातन आप चेक कर लो उसमें, शायद कोई ना कोई एरर या कुछ हो जाए। तो बेहतर उन्होंने क्या बोला कि आप उसको पुट करके चेक भी कर लो कि वो सब इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं। ये 7 स्टेप होंगे जिसके जरिए से आप इस पूरे सवाल को करोगे। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, कहीं फंसो कहीं प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना उससे। चलो बच्चों, तो एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 2। अगेन मैं हल्का फुल्का दोबारा आइडिया दे देता हूँ कि मैंने बताया था इन सवालों को पढ़ने का तरीका, पहले एंड पे आप देखो, एंड पे क्या लिखा हुआ है, हाउ मच लैंड शुड बी एलोकेटेड टू ईच क्रॉप। आपको लैंड बांटनी है क्रॉप्स के अंदर। पहली लाइन अगर पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा 2 क्रॉप्स हैं, एक्स और वाई। तो आप पहली लेट कर लो, जो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि लेट एक्स क्या है, अमाउंट ऑफ लैंड फॉर एक्स क्रॉप। जो पहला क्रॉप है जिसको उन्होंने एक्स का नाम दिया हुआ है, कंसीडर कर लो हमने उसको एक्स अमाउंट देनी है। टोटल हमारे पास 50 एकड़ है ना, तो हम फॉर एग्जांपल 20 एकड़ उसको देना चाह रहे हैं, ठीक है, और 30 एकड़ हम दूसरे को देना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो ये आपने लेट के लिए कि अमाउंट ऑफ लैंड फॉर एक्स क्रॉप, इसी तरह वाई आप लेट कर लो, अमाउंट ऑफ लैंड फॉर वाई क्रॉप। ये एक्स और वाई जो है ना, ये किस क्या बोलते हैं इसको आप, मैंने कल एक नाम बताया था, किसी को याद है, भूले हुए तुम लोग सारे के सारे, रिवाइज भी नहीं करते लगते को। डिसीजन वेरिएबल मैंने कल बताया था सर, क्योंकि इन वेरिएबल ये मतलब डिसाइड कर रहे हो ना आप कि कितनी लैंड आपने एक्स क्रॉप को देनी है, कितनी लैंड आपने वाई क्रॉप को देनी है। तो दैट्स व्हाई एक्स और वाई जो वेरिएबल है ना, इनको आप बोलते हो डिसीजन वेरिएबल, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जहां पे भी प्राइस इन्वॉल्व होगी ना, वहां से आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाओगे। तो ये सेकंड लाइन में आपको नजर आ रहा है कि विद प्रॉफिट पर हेक्टेयर आर एस्टिमेटेड एज ₹10,500 एंड ₹9,000 रेस्पेक्टिवली, के एक एकड़। अच्छा वैसे तो हेक्टेयर है, लेकिन मुझे बोलने में आसानी एकड़ होती है, समझने के लिए आप एकड़ लेट कर लो इसको। तो जो एक्स क्रॉप जो आपने उगाया है ना, उसके एक एकड़ पे आपको 10,500 का प्रॉफिट हो रहा है, और जो दूसरा क्रॉप आपने उगाया है वाई क्रॉप, उसके एक एकड़ में आपको 9,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप कैसे बनाओगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे होगा, सिंपल, 10,500 एक्स प्लस 9,000 वाई, क्योंकि एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट ऑफ लैंड जो आपने एक्स क्रॉप को दी है। फॉर एग्जाम्पल एक्स क्रॉप को आपने 20 एकड़ दिया है, तो 20 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप 10,500 से, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा एक्स क्रॉप का। इसी तरीके से कंसीडर कर लो वाई क्रॉप को आपने फॉर एग्जाम्पल 10 एकड़ जमीन दी हुई है, तो 10 को मल्टीप्लाई कर दोगे 9,000 से, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा कि वाई क्रॉप आपको कितना प्रॉफिट देगा। और डेफिनेटली आप इस फंक्शन को क्या करना चाह रहे हो, आप इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हो।
क्यों? क्योंकि भाई मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा प्रॉफिट कम हो, मैं तो चाहूंगा मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो, मैं तो उसको मैक्सिमाइज ही करूंगा। वैसे सवाल में भी उन्होंने लिखा हुआ होगा, अगर आप आखिरी लाइन में देखो लिखा हुआ है मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट, लेकिन आप खुद भी सेंस इस्तेमाल करो ना, प्रॉफिट को मिनिमम क्यों करेंगे हम, पागल है हम प्रॉफिट को मिनिमम कर रहे हैं। तो ये आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना दिया। अब जो है ना वो आप लिखो कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मतलब रिस्ट्रिक्शन जो आपके पास लगी हुई है। तो जरा देखते हैं सवाल में कितने रिस्ट्रिक्शन है आपके पास। सबसे पहले आपको नजर आ रही है टू कंट्रोल वीड, मैंने कल भी बताया था कि जब आप एक क्रॉप उगाते हो तो वीड फालतू में निकल आती है जो कि उसके लिए ठीक नहीं होती, तो आपने वीड को खत्म करना होता है। आप एक लिक्विड हर्बिसाइड पेस्ट कंट्रोल जो होते हैं वो आप छिड़कते हो ताकि वीड जो है वो आपकी ना हो गए। तो वीड को कंट्रोल करने के लिए जो लिक्विड हर्बिसाइड आप यूज कर रहे हो वो 800 लीटर है, ठीक है, मतलब 800 लीटर से ज्यादा यूज नहीं कर सकते ना, अवेलेबल ही 800 है, या तो 800 यूज करोगे या 800 से कम करोगे, ज्यादा तो यूज ही नहीं कर सकते। अगर घर में आटा 10 किलो पड़ा हुआ है तो 12 किलो तो नहीं खा सकते, 10 किलो ही खाओगे या 10 किलो से कम खाओगे, ऐसा तो नहीं हो सकता 10 किलो है और 12 किलो खा लो आप। तो टोटल लिक्विड हर्बिसाइड कितना है 800 लीटर, और एक्स क्रॉप के लिए कितना यूज होना है 20 लीटर पर एकड़, और वाई के लिए कितना यूज होना है 10 लीटर पर एकड़। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, 20 है किसके लिए, एक्स क्रॉप के लिए, और 10 है वाई क्रॉप के लिए। तो बिल्फर्ड बिल्फर्ड आप इसको इस तरह समझो कि आपने कोई दवाई छिड़कनी है, कंसिडर कर लो एक एकड़ पे आपने कितनी दवाई छिड़कनी है, 20 लीटर छिड़कनी है। तो अगर एक्स क्रॉप की जमीन जो है वो 20 एकड़ है, हर एकड़ पे आपको 20 लीटर खर्च करने हैं, तो 20 एकड़ में कितने हो जाएंगे, 20 मल्टीप्लाई 20, सिंपल एक्स की जगह पे यहाँ पे जितनी भी आपकी अमाउंट है लैंड की, अगर आपके 10 एकड़ है तो 10 को मल्टीप्लाई कर दोगे 20 से, मतलब 200 लीटर आप यूज कर रहे हो किसके ऊपर, एक्स क्रॉप के ऊपर। इसी तरह वाई क्रॉप पे कंसिडर कर लो आपने कितनी अमाउंट ऑफ लैंड है, आपकी 30 एकड़ अमाउंट ऑफ लैंड है, तो अब यहाँ पे 30 को मल्टीप्लाई करो 10 से, ये हो जाएगा 300, इसका मतलब है 300 लीटर आपको यूज करना है किसके ऊपर, वाई क्रॉप, ठीक है। तो कहने का मतलब है टोटल जो आपने यूज करनी है वो कितनी होनी चाहिए, वो 800 से कम होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास अवेलेबल ही 800 लीटर है ना, या तो 800 होगी या 800 से कम होगी, ज्यादा नहीं हो सकती। तो एक तो रिस्ट्रिक्शन आपके पास ये लगती है। दूसरी रिस्ट्रिक्शन क्या है, दूसरी रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपके पास टोटल लैंड जो है वो 50 एकड़ है, तो आपने x और y को जितना भी देना है कोशिश करना कि उनका सम जो है वो या तो 50 हो या 50 से कम हो। अब वही बात है, आपके पास जमीन 50 एकड़ है, आपने दो क्रॉप के लिए डिवाइड करनी है तो 50 एकड़ में से डिवाइड करोगे ना, ऐसा तो नहीं है कि आप x क्रॉप के लिए 30 रख दो और इसके लिए 40 रख दो, 30 और 40 कितने होते 70, लैंड ही आपके पास 50 एकड़ की है तो 70 एकड़ पे कैसे उगाओगे। तो कहने का मतलब इन दोनों की जो अमाउंट है वो ऐड होकर टोटल जो आपके पास अवेलेबल है, आपके पास जो लैंड है वो 50 एकड़ अवेलेबल है, तो इससे लेस ही होना चाहिए या इसके बराबर हो जाए, ग्रेटर नहीं हो सकता इससे। तो ये कॉन्स्टेंट नंबर वन है, ये कॉन्स्टेंट नंबर टू है, और बाकी आपने खुद लगाने होते हैं साथ, ये मैंने कल भी बताया था, इनको आप बोलते हो नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट। क्यों, मैंने कल भी बताई थी ये बात कि यहाँ पे जो x और y है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रियल चीज को, रियल चीज नेगेटिव नहीं हो सकती। माइनस 10 एकड़ हो सकता है, नहीं भैया तो 10 एकड़ होगा या 5 एकड़ होगा, माइनस 10 एकड़ की क्या साइंस है। तो कहने का मतलब x और y जो आपके डिसीजन वेरिएबल है वो यहाँ पे पॉजिटिव ही होंगे, हमेशा नॉन नेगेटिव होंगे। नॉन नेगेटिव के अंदर पॉजिटिव भी आ जाता है और जीरो भी आ जाता है, ऐसा भी हो सकता है जीरो आप एक्स क्रॉप के लिए कोई लैंड नहीं देना चाह रहे, फॉर एग्जाम्पल आपको प्रॉफिट इतना अच्छा हो रहा है वाई क्रॉप से आप एक्स को देने नहीं जा रहे, तो कहने का मतलब जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, सेंस नहीं बनेगी उसके। हमारा जो एक स्टूडेंट आया मैंने नया, उसको तो सब ऊपर से जा रहा होगा, पता क्या चल रहा है आज, पुरानी क्लास भी नहीं ली। अच्छा ये जो मैंने आप लोगों को पार्ट करवाया है ना, इसको क्वेश्चन में ऊपर ना आप लिख देना यहाँ पे ना, इसको कह देना ये स्टेप वन है, ठीक है, और इसका नाम क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। ये पूरा आपने मैथमेटिक जो वर्ड प्रॉब्लम था उसको आपने मैथ में कन्वर्ट कर दिया, इसको इस तरह समझो, ये आपका स्टेप वन था। स्टेप टू क्या था आपका, कि आपने ग्राफ बनाना है, अब जरा उस पर आ जाओ, ये काम था नया आपके लिए, बाकी जो काम है वो आपको मैंने लास्ट क्लास में बहुत दफा करवाया है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा, इतना मुश्किल नहीं है वो, जरा स्टेप टू पे आ जाओ। स्टेप टू क्या है, कंस्ट्रक्ट द ग्राफ, और स्टेप टू हम अपना स्टेप बना देते हैं, ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करना और इसमें शेड भी करना है, फॉर एग्जांपल हम स्टेप टू और स्टेप थ्री को मर्ज कर देते हैं, हमारी मर्जी है। अच्छा करना क्या आपको, स्टेप के अंदर आपने जो तीन इनइक्वालिटीज है ना ये आपके सामने जो लिखी हुई है इनको आपने ड्रॉ करना है। अब ड्रॉ करने का तरीका सबको पता, हम क्या किया करते थे,
एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकाला करते हैं, जरा निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप कंसीडर करो कॉन्स्टेंट वन, ये जो पहला है ये वाला क्या है, 20x प्लस 10y इज लेस देन और इक्वल टू 800। देखो अभी इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बेहतर है इसको डिवाइड कर दो आप। ये 10 के टेबल से डिवाइड हो सकता है आसानी से, आप इस पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड कर दो 10 से, तो ये क्या बनेगी, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा y, और इसको 10 से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा 8। तो आपके लिए कैलकुलेशन इजी है, सिंपल 10 से डिवाइड कर दो, लाइफ आपकी आसान हो जाएगी। अब इसको आपने ड्रॉ करना है, अब ड्रॉ किस तरह करेंगे, अगेन वही एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं जल्दी से बताओ यार कोई, वाई जीरो वाई की वैल्यू, चलो शुक्र अल्लाह का, वाई की वैल्यू जीरो पुट करते हो आप एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए। तो जरा इसको मैं नाम दे देता हूं वन का, आप पुट करो इसमें वाई की जगह जीरो, वाई की जगह जीरो पुट कर दिया। सॉरी आपने यहाँ पे क्या करना था, एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी थी, ड्रॉ करने के लिए एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हो, खैर इसको तो वन ही कह दो। मैं यहाँ पे एक एसोसिएटेड इक्वेशन बनाता हूँ जो लास्ट क्लास में आप लोगों को बहुत दफा बताई है मैंने, कि इनइक्वालिटी को हटा के इक्वल का साइन डाल दो, तो इक्वल का साइन मैंने डाल दिया। अब आप एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकालो, वाई की जगह पे आप जीरो पुट करो, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे क्या है एट। यहां से सॉल्व करो बच्चों, x की वैल्यू आ रही है 4, और x इंटरसेप्ट को आप पॉइंट की फॉर्म में कैसे लिखते हो, 4,0, y वैल्यू 0 है और x वैल्यू 4 है। हाँ बोलो, 800 को 10 से डिवाइड करेंगे 80 नहीं आया, ओ सॉरी यार इतना बड़ा ब्लंडर है, किसी और ने नोट नहीं किया, इसी टाइम पे तुमने बता दिया ना, आंसर गलत हो जाते, ठीक है। तो यहाँ पे 80 आएगा भाई, 800 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो 80 आएगा। आंखें कान खुला करो, क्योंकि टीचर का भी ध्यान ना वो मुश्किल चीज की तरफ होता है, वो बेसिक मैथ के अंदर जो भंड मारा होता है। अच्छा ठीक है, तो वर्किंग में बस x अब 40 आ जाएगा जब आप 80 को 2 से डिवाइड करोगे, और x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 40,0। अब आप आ जाओ y इंटरसेप्ट में, y इंटरसेप्ट आप क्या करते हो, x की जगह पे 0 पुट करते हो, तो x की जगह पे आप 0 पुट कर दो, यहाँ पे पीछे क्या बचेगा y इक्वल टू 80। तो सॉल्व करो, y की वैल्यू 80 आ रही है, आप इसको y इंटरसेप्ट की फॉर्म में कैसे लिखोगे, 0,80 पॉइंट की फॉर्म में आप इस तरीके से लिखते हो। उसके बाद चाहो तो आप ओरिजिन पुट करके देख लो यहाँ पे, वरना मैंने कल भी आइडिया आप लोगों को बताया था कि भाई सिंपल सी बात है, अगर y की टर्म पॉजिटिव है और लेस वाली इनइक्वालिटी है तो बिलो वाला रीजन आपने शेड करना है, लेकिन फॉर्मेलिटी पूरे करना चाहो तो कर लो। ओरिजिन पुट करो आप 0,0 इनइक्वालिटी नंबर 1 में, तो जब आप x की जगह पे 0 पुट करोगे, y की जगह पे भी 0 पुट करोगे, तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और 0 जो है वो लेस देन 80 होता है डेफिनेटली, तो उसका मतलब आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। तो जिस भी रीजन में ओरिजिन आ रहा होगा ना, वो रीजन आपने शेड करना है, और देख लेना वो रीजन जो है वो उसके बिलो ही आ रहा होगा, ग्राफ से भी आपको नजर आ जाएगा। बारह, ये जो कॉन्स्टेंट नंबर 1 है ना, इसकी वर्किंग आपने कर ली है, अब जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये आप डाटा इस्तेमाल कर लोगे, हम जा रहे हैं कॉन्स्टेंट नंबर 2 के ऊपर। अब जरा इसकी वर्किंग करते हैं, मेरे ख्याल में मैं जल्दी से कर देता हूँ, ये काम आपने बहुत दफा किया तो टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है फिर वही इंटरसेप्ट निकालना है तो इतना मसला नहीं है। अगेन वाई की वैल्यू भी आएगी 50, और वाई इंटरसेप्ट की फॉर्म में आप लिखोगे 0,50। आप ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहे हैं, जरा पुट करके देख लेते हैं, इस इनइक्वालिटी के अंदर आप 0 पुट करो, ये हो जाएगा 0 प्लस 0 इज लेस देन 50, तो देखने में आपको लग रहा है 0 जो है वो 50 से कम ही होता है, तो स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है, ओरिजिन आपका यहाँ पे सॉल्यूशन है, तो जिस रीजन में ओरिजिन आ रहा होगा उसको आप शेड कर दोगे। तो बच्चों ग्राफ ड्रॉ हमारा अब आसानी से हो जाएगा, इस तीसरी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमें पता है इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, ठीक है, असल काम था बाकी दो को सॉल्व करना। तो हमारे जो स्टेप 2 है ना ग्राफ बनाना, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मैं इसको मिटा के ग्राफ बनाने लगा हूं, कुछ सवाल है यहाँ तक पूछ लो। अच्छा जी बच्चों, ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, x और y इंटरसेप्ट पता होने चाहिए। अब जरा कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले देखो सब पॉजिटिव है, कुछ भी नेगेटिव नहीं आपके पास आ रहा, तो मतलब नीचे ऊपर कहीं भी नहीं बनाना, बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको बनाना है। तो आप स्केलिंग इस तरीके की करो कि बस फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको नजर आ रहा है, क्योंकि हर चीज पॉजिटिव है ना, वाई भी पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव, कहीं नेगेटिव नहीं आ रहा, तो लाइफ आपकी ईजी है। और आप स्केलिंग कैसे करोगे, देखो जब यहाँ पे वैल्यूज इतनी बड़ी है तो आप स्केलिंग भी अपनी बड़ी बड़ी करोगे, जैसे x एक्सिस की अगर बात करें तो x पे आपको एक वैल्यू मिल रही है 40, एक वैल्यू मिल रही है 50, तो आप एक काम करो आप स्केलिंग करो 10-10 की, बिल्कुल, तो आप बोलो ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है,
इसी तरह अच्छा स्केलिंग एक्स और वाई एक्सिस पे डिफरेंट हो सकती है, मे बी आपने एक्स एक्सिस पे इसको 10 लिए, वाई एक्सिस पे मैं इसको 5 ले लूं, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। तो जरा ऐसे परेशान नहीं होना कि स्केलिंग डिफरेंट क्यों, ग्राफ का एक रूल है, स्केलिंग डिफरेंट कर सकते हो, लेकिन कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं कि जिसमें आप स्केलिंग डिफरेंट करोगे तो शेप अजीब हो जाएगी, जैसे अगर सर्किल बन रहा है और आप स्केलिंग डिफरेंट करोगे सर्किल बेचारा पिचक जाएगा या वो लंबा हो जाएगा पूरा। लेकिन इस ग्राफ में ऐसे तो मसला नहीं है, आपको स्ट्रेट लाइन आपने बनानी है ना, तो क्या इशू है आपको, कोई इशू नहीं है। अब क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वाई एक्सिस पे देखो 80 लिखा हुआ है, अब मेरे ग्राफ पे 80 आना मुश्किल है। आप लोग चाहो तो पेपर में ला सकते हो, मैं शायद इसमें भी आ जाए, हम कोशिश करते हैं इक्वल रख लेते हैं, कोशिश आपकी होनी चाहिए इक्वल होना चाहिए, अगर नहीं हो रही तो कोई इशू नहीं है। 40, 50, 60, 70 कंसिडर कर लो, 80 बिल्कुल ऊपर आ रहा है इससे, सही है। तो आपकी मर्जी, मैं जो स्केलिंग करना चाह रहा था मैं 20-20 की करना चाह रहा था यहाँ पे, 20-40 इस तरह मैं करना चाह रहा था, लेकिन खैर ये ग्राफ के रूल्स हैं। इंशाल्लाह जब मैं आप लोगों को एग्जाम से पहले ग्राफ भी बताऊंगा पूरा कि ग्राफ किस तरीके से आपने बनाना है, तो फिर मैं प्रॉपर डिस्कस कर लूंगा कि ग्राफ बनाने के रूल्स क्या होते हैं, किन बातों को आपने ध्यान रखना है। अभी फिलहाल हम रफली जो डायग्राम है उसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में सीखेंगे इस चीज को। अच्छा तो ड्रॉ करने का तरीका क्या है, आपको एक्स इंटरसेप्ट ड्रॉ करना है सबसे पहले, तो इसका क्या है 40, 0 और 10, 20, 30, 40 40 यहाँ पे आ रहा है, और वाई इंटरसेप्ट क्या है 0, 80 0, 80 है। जरा ज्वाइन कर देते हैं इसको रफली, ये ज्वाइन होगी, ये उधर ऊपर निकल जाएगी, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है। ये मैंने पहली वाली ड्रॉ की है, अब दूसरी वाली क्या आती है 50, 0 यहाँ पे होगा, और फिर है 0, 50 10, 20, 30, 40, 50 0, 50 यहाँ पे, जरा ड्रॉ कर देते हैं इसको। अगर आप देखो दोनों इनइक्वालिटीज जो है वो ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही थी, इसने भी ओरिजिन को सेटिस्फाई किया, इसने भी ओरिजिन को सेटिस्फाई किया, और अगर आप यहाँ पे देखो दोनों इनइक्वालिटी के बिलो ओरिजिन है, तो इसका मतलब आपने शेड कौन सा रीजन करना है, बिलो वाला रीजन शेड करना है, क्योंकि इनके नीचे ओरिजिन आ रहा है, ओरिजिन जब इनका सॉल्यूशन है इसका मतलब आप बिलो शेड करोगे, ठीक है। तो अब वक्त आ गया कि आप शेड कौन सा रीजन करोगे, तो बच्चों अगेन वही बात, एक्स एक्सिस से ऊपर, वाई एक्सिस से इधर आपने शेड करना है, ठीक है, और इन दोनों इनइक्वालिटी से नीचे आपने शेड करना है। तो जरा गौर से देखो, यहां से आपने स्टार्ट करना है शेड करना, ये जो इनका पॉइंट है ना ये वाला, इसके इधर इधर रहना है आपने, इस तरह आप शेड करोगे, ये वाला पूरा रीजन है। अगर आप देखो ये कॉमन रीजन है, मतलब इस इनइक्वालिटी के भी नीचे है ये, इस वाली इनइक्वालिटी के भी नीचे है। अच्छा देखो मैंने ये वाला रीजन शेड नहीं किया, ये जो मैं ब्लू करने लगा हूं ना, ये वाला रीजन मैंने शेड नहीं किया, क्यों नहीं शेड किया, क्योंकि ये वाला रीजन जो है ना ये इस वाली से ऊपर है, मुझे बिलो वाला करना है, तो दैट्स व्हाई मैंने ये ब्लू वाला रीजन शेड नहीं किया। ये बातें 9.2 में मैंने आप लोगों को बताई थी किस तरीके से आपने शेड वेड करना है। बारह तो ये आपका रीजन शेड हो गया, शेड करने के बाद ये फिजिबल सॉल्यूशन आ गया, आप यहां पे मेंशन कर दो फिजिबल सॉल्यूशन, ये स्टेप 3 भी आपने कर लिया, बुक में स्टेप 3 क्या था फिजिबल सॉल्यूशन, तो आपने निकाल लिया स्टेप 3 फिजिबल सॉल्यूशन हो गया आपका। उसके बाद आपको कॉर्नर पॉइंट पता होने चाहिए थे, कॉर्नर पॉइंट क्या है, जरा हम इस शेप को बनाते हैं, ये शेप यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां तक जा रही है, फिर ये ऊपर यहां पे जा रही है, कॉर्नर पॉइंट आ रहा है, फिर ये इस तरह जा रही है, और फिर इस तरह नीचे आ रही है। अगर मैं इसको अलग साइड पे बनाऊ ना तो ये शेप इस टाइप की है, इस तरह, फिर इस तरह, फिर हल्का सा कर्व आपको इस तरह मिल रहा है, और फिर इस तरह बना रहे, ये कर्व, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे। तो कहने का मतलब यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट कौन से हैं, 4 कॉर्नर पॉइंट है, 1, 2, 3, 4 ये 4 कॉर्नर पॉइंट है। तो जरा इनको मेंशन कर लेते हैं, कॉर्नर पॉइंट कौन से हैं, कॉर्नर पॉइंट जिसको बुक वालों ने बोला है सॉल्यूशन पॉइंट, ठीक है। अच्छा जी तो ये वाला पॉइंट तो आपको पता है, अच्छा इनको नाम दे देते हैं, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, इसको डी बोल दो। नॉर्मली हम जो नंबरिंग है वो एंटी क्लॉक वाइज कर रहे होते हैं, एंटी क्लॉक वाइज का मतलब क्या होता है, क्लॉक के अपोजिट जाना, क्लॉक इस तरह जा रही होती है हमने इस तरह जाना है, तो अगर आप देखो नंबरिंग एंटी क्लॉक वाइज हो रही है, ठीक है। ये अभी ट्रिग्नोमेट्री में भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। बारह जो पहला कॉर्नर पॉइंट है ए वो ओरिजिन है बच्चों 0, 0 ये जो दूसरा कॉर्नर पॉइंट है कोई बता सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 40, 40, 0 एक्स एक्सिस पे वाई वैल्यू 0 होती है ना, तो 40, 0 इसके पॉइंट है जो मैंने यहां पे ड्रॉ किया था, ये वाला पॉइंट था, ये जो पहली इनइक्वालिटी जो थी ना ये मैं लिख भी देता हूँ, ये जो है ये आपकी पहली वाली थी, ये जो है आपकी दूसरी वाली, तो ये जो पॉइंट है पहली वाली इनइक्वालिटी का एक्स इंटरसेप्ट है, जो कि क्या लिखा हुआ है 40, 0
दूसरा कॉर्नर पॉइंट भी आ गया। सवाल यह है कि तीसरा कॉर्नर पॉइंट कैसे निकालना है, ये वाला, ये आप नॉर्मली वैसे नहीं निकाल सकते। और हैरत की बात है, बुक वाले खामोश हैं इस चीज के ऊपर। बुक वालों ने कोई ऐसा मेथड नहीं बताया जिसके तहत आप ये वाला पॉइंट निकाल सको। और ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा, दो पॉसिबिलिटी है, या तो आपके पास एक्यूरेट आपने ग्राफ बनाया हो ग्राफ पेपर के ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पॉइंट, क्योंकि ग्राफ पे आपको पता है कोई भी पॉइंट हो तो आप देख सकते हो ना एक्स वैल्यू क्या है वाई वैल्यू क्या है। अगर आप रेंडमली बनाओगे इसको तो आप बस अंदाजा लगा सकते हो, एक्यूरेट नहीं हो सकता ये। जैसे अगर मैं अंदाजा लगाऊं ये पॉइंट जो है ये इन दो के दरमियान है, तो मेरा ये 40 था, ये नहीं सॉरी ये 30 है, ये 40 है, तो मुझे लग रहा है इसकी एक्स वैल्यू क्या होगी, तकरीबन 35 होगी। अभी मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, बाद में आपको एक्यूरेट तरीके में बताऊंगा। और वाई वैल्यू इसकी मुझे लग रहा है तकरीबन 10 से थोड़ी ऊपर लग रही है मुझे, फॉर एग्जाम्पल 15 कर लेता हूँ। अभी मैंने अंदाजा लगाया है, एक्चुअल मेरे पास ग्राफ पेपर होता तो मैं उस पर देखता नहीं पॉइंट कहाँ पे आ रहा है प्रॉपर, लेकिन अंदाजे में लगा सकता हूँ, और तो मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। अब सवाल है कि आप लोग वैसे कैसे इसको मालूम करोगे। तो बच्चों वैसे मालूम करने का तरीका सिंपल यही है, बुक ने हालांकि डिस्कस नहीं की ये बात, तरीका यही है कि ये वाली जो इनइक्वालिटी है और ये वाली जो है, ये जो है ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। जो आपने इक्वेशन ड्रॉ की थी ना, इसकी इक्वेशन क्या थी, 2x plus y is equal to 18, और इसकी इक्वेशन क्या है, x plus y is equal to 50। तो ये बेसिकली दो स्ट्रेट लाइन है और दो स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोई बता सकता है कैसे निकाले, ये वाला, ये दो स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। कोई मेथड पढ़ा था आप लोगों ने? अगर हम x और y की वैल्यू निकाल दें, कैसे निकालें, एलिमिनेट करके सब्स्टिट्यूट। एक्सीलेंट भाई, जो मैट्रिक में आप लोग दो इक्वेशन को सॉल्व करते थे ना और एंड पे आपके पास x और y की वैल्यू आती थी, वो बेसिकली एक पॉइंट की वैल्यू आती थी, वो एक पॉइंट की x और y वैल्यू आपके पास आती थी, जो पॉइंट क्या था, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट था। जैसे दो स्ट्रेट लाइन है, ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी ना, तो जब आप इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करोगे और एक्स वाई की वैल्यू निकालोगे, तो वो बेसिकली आपके पास ये वाला पॉइंट आता था, एक्स और वाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आते थे, ठीक है। तो वो अब ये काम आपने रफ वर्क में करना है, बुक ने डिस्कस नहीं किया हुआ तो आप इसको रफ वर्क सॉल्व कर लो, इसको इनको करना कोई बड़ी बात नहीं है, सब्ट्रैक्ट करवा दो, सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस एक्स ये हो जाएगा एक्स, और 80 माइनस 50 30। देखो मैंने ज्यादा लगाया था 35, आंसर इसका आ रहा 30, क्योंकि थोड़ा सा ग्राफ मेरा रफ है ना तो गलती हो सकती है, तो x 30 आ गया। अब मैं y कैसे निकालूंगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे ये जो इक्वेशन थी ना x plus y is equal to 50, इसके अंदर आप x की जगह 30 पुट कर दो यहाँ पे, तो y वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे y वैल्यू आएगी 20, 30 को जब सब्ट्रैक्ट करवाओगे, मैंने ज्यादा लगाया था y वैल्यू 50 है, तो कहने का मतलब एक्यूरेट नहीं हो सकता, करीब करीब वैल्यू हो सकती है अंदाजे से, क्योंकि आपने ग्राफ काफी बेहुदा बना है, स्ट्रेट लाइन जिस तरह मैंने मिलाई नहीं आपस में, तो वो कोई प्रॉपर तो मैंने डायग्राम नहीं बनाई ना। तो इस तरीके से आपने रफ वर्क में सॉल्व करना है, आपके पास पॉइंट आ गया x वैल्यू 30 y वैल्यू 20, तो आप यहाँ पे लिख दोगे x वैल्यू 30 y वैल्यू 20। ये वो स्टेप था, जो क्रूशियल स्टेप है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब आखिरी कॉर्नर पॉइंट है वो तो ईजी है, वो कॉर्नर पॉइंट कौन सा, ये डी, और ये है बेसिकली लाइन टू का वाई इंटरसेप्ट। लाइन टू का वाई इंटरसेप्ट क्या था, 0,50। तो ये बच्चों आपके पास चार कॉर्नर पॉइंट आ गए, आपका स्टेप टू जो है वो कंप्लीट हो गया। इसको मैं स्टेप टू कह रहा हूं, वरना बुक ने तो इसको स्टेप टू थ्री फोर सब मैं किया होता। अब हमारा स्टेप थ्री क्या होगा, हमारा स्टेप थ्री है क्या बोलेंगे, सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन की हेडिंग बनाई हुई है, नहीं एवेल्युएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमने क्या करना है, हमने इनको पुट करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर, एवेल्युएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अच्छा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, 10,500x प्लस 9,000y। आपने क्या करना है, बारी बारी सारे पॉइंट पुट करने हैं इसके अंदर, जिस पे मैक्सिमम आंसर मिल रहा होगा वो आपका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि आपको मैक्सिमम चाहिए था ना, प्रॉफिट आपका मैक्सिमम हो। जरा पुट करते हैं, सबसे पहले ए पॉइंट, ए पॉइंट क्या है, 0,0। तो जब आप यहां पे जेड के अंदर पुट करोगे ये 0,0 हो जाएगा ना पूरा, चाहो तो आप इसको लिखना चाहो तो लिख लो इस तरह कि 10,500 x की जगह 0 पुट कर दो, इसी तरह y की जगह भी 0 पुट कर दो, तो आंसर इसका क्या आएगा, 0 ही हो जाएगा सब वैल्यू। अब आप दूसरा पॉइंट पुट करो 40,0, तो 10,500 को आपने मल्टीप्लाई करना है 40 से, और 9,000 को आपने मल्टीप्लाई करना है, y वैल्यू क्या है, 0।
तो ये तो जीरो हो जाएगा, 40 को मल्टीप्लाई करो 40,000, और ये हो जाएगा 42,000, 42,000। फिर है तीसरा पॉइंट 30,20, यहां पे 30 से मल्टीप्लाई करना है और यहां से 20 से मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेशन देख लेना, वरना तुम लोग देर से बताते हो, टाइम जाया होता है, मैं अंदाजा खुद लगा रहा हूँ, कोई मिस्टेक हो तो बता देना। ये हो जाएगा 31,500 और ये हो जाएगा 18,000, तो 39,500 जहां तक मुझे लग रहा है, वेरीफाई कर लेना भाई। नहीं, 49,000, 49,500 चेक कर लो यार, ये वाली कैलकुलेशन चेक कर लो। फिर डी, एक्स की जगह जीरो और वाई की जगह क्या पुट करना है 50, तो ये वैल्यू तो जीरो। 9,000 को जब 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45,000 आ जाएगा। ये कंफर्म किया यार किसी ने तीसरा वाला? नहीं नहीं ये तो हजार में नहीं, लाखों में बात जा रही है। हाँ देखो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा था, लाखों में बात जा रही है। बोला है क्या, समझ लो यार तुम लोग, मैथ मेरी वीक है थोड़ी। ये 4,20,000 बनेगा ये। और हाँ इसकी कैलकुलेशन क्या है, ये है 10,500 मल्टीप्लाई 30 प्लस 9,000 मल्टीप्लाई 20, तो बिल्कुल सही मैंने किया था, बस एक जीरो लगाना है यहाँ पे। ये है असल में 4,95,000 और ये हो जाएगा बेसिकली 4,50,000। ये स्टेप 3 आपका कंप्लीट हो गया, आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को एवेल्युएट कर दिया। अब आपका क्या काम है, अब आपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन सेलेक्ट करना है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा सवाल के अंदर, जिसपे आपको मैक्सिमम आंसर मिल रहा है। तो मैक्सिमम आंसर आपको मिल रहा है पॉइंट सी के ऊपर, तो आप कह लो सिंस प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट सी, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं 30,20, देयरफॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन पॉइंट इज सी 30,20। तो ये हमारा बच्चों ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अब इसको इसको डब्बा ना बनाओ, असल में आप मालूम क्या करना चाह रहे थे, आप मालूम करना चाह रहे थे कि आपने कितनी लैंड देनी है एक्स क्रॉप को और कितनी लैंड देनी है वाई क्रॉप को। तो एक्स वैल्यू रिप्रेजेंट करती थी कि एक्स क्रॉप को आपने कितनी लैंड देनी है, तो एक्स वैल्यू क्या है 30 का मतलब अमाउंट ऑफ लैंड जो आपने किसको देनी है एक्स क्रॉप को। तो एक्स क्रॉप को आपने 30 हेक्टेयर लैंड देनी है, यूनिट भी मैं इसका लिख देता हूं हेक्टेयर जो बुक ने डिस्कस किया है। और वाई मतलब दूसरे क्रॉप को आपने कितनी लैंड देनी है वो है 20, अमाउंट ऑफ लैंड जो आपने वाई क्रॉप को देनी है। ठीक है, ये असल में आपका सॉल्यूशन है, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। जैसे मैं शुरू में कह रहा था ना कि आपको सेलेक्ट क्या करना है, आपको एक्स और वाई सेलेक्ट करना है, लेकिन आप अपनी मर्जी से नहीं करोगे, आपने रिस्ट्रिक्शंस को भी देखना है, आपने ये भी देखना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पर मिलेगा। तो ये वो वैल्यूज है जिसपे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है और जो बाकी रिस्ट्रिक्शन है उस पर भी आप अमल करते हैं। एक आखिरी स्टेप हो सकता है जो बुक ने डिस्कस किया है, वो है वेरिफिकेशन का। तो अगर चाहो तो आप लोग बल्कि कर लो, बुक ने डिस्कस किया है तो आप लोग भी कर लेना। वेरिफिकेशन का मतलब है कि जो पॉइंट आपने चूज किया है क्या ये बाकी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है, चेक कर लो। तो जो सबसे पहली आपकी इनइक्वालिटी थी वो थी 2x प्लस y इज लेस देन और इक्वल टू 18। तो सर आप पॉइंट पुट करो यहाँ पे 30,20, देखो क्या सेटिस्फाई हो रही है इनइक्वालिटी। x की जगह पे 30 पुट करो 32,60, y की जगह पे 20 पुट करो, दोबारा देखो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। इनइक्वालिटी कह रही थी या तो वैल्यू लेस हो 80 से या 80 के बराबर हो, तो आप देखो 60 प्लस 20 क्या होता है 80, मतलब वैल्यू आपकी 80 के बराबर आ रही है, इनइक्वालिटी आपकी ठीक है। अब आप दूसरी चेक करो, x प्लस y इज लेस देन 50 सी पॉइंट के ऊपर, अगेन आप देखो यहाँ पे आप 30 प्लस 20, अगेन इनइक्वालिटी आपकी कह रही थी कि या तो 50 हो या 50 से कम हो, तो आप देखो आपका आंसर 50 आ रहा है, इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब आपने सॉल्यूशन वेरीफाई कर लिया है कि ये बाकी इनइक्वालिटीज को भी सेटिस्फाई कर रहा है और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है। बच्चों ये वो सवाल है जो हमें आधा घंटा लग ही गया खैर इसके ऊपर, ये सवाल मुझे लगता है लॉन्ग के अंदर आएगा, फिलहाल पेपर पैटर्न आप लोगों का आया नहीं है,
तो अगर लॉन्ग के अंदर आएंगे सवाल तो आपने ये काम करना है, बस पहला स्टेप इसका मुश्किल होता है, आपने मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करनी है। वंस अगर वो हो जाए उसके बाद सॉल्यूशन इजी है, अगर आपने 9.2 9.1 की भी है आसानी से।